नमस्कार स्टूडेंट्स, हम जेईई मेन प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स का सॉल्यूशन कर रहे थे। 19 और 20 में जो क्वेश्चंस आए हैं, इसी कड़ी में आज हम कैपेसिटेंस और करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो क्वेश्चंस आए हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास। ए रेजिस्टेंस इज शो इन द फिगर, इट्स वैल्यू एंड टॉलरेंस आर गिवन रेस्पेक्टिवली बाय। आपको एक कार्बन कोडिंग रेजिस्टेंस दिया है, इसके लिए आपको इसकी वैल्यू और इसकी टॉलरेंस के बारे में पूछा है। हम यहाँ पर एक सीरीज पढ़ते हैं, है ना, बी बी आर ओ वाई जी बी वी डब। नहीं, कम पड़ गया इसमें, दोबारा देखिए, बी बी आर ओ वाई। ये है आपके पास। इसमें जो ये कलर्स के फर्स्ट लेटर्स हैं, लाइट कलर बाद में आते हैं, डार्क कलर पहले आते हैं। जैसे ब्लैक, इसके लिए जीरो, ब्लैक के बाद ब्राउन वन, रेड के लिए टू, ऑरेंज के लिए थ्री, येलो फोर, ग्रीन और ग्रे, ग्रीन पहले आया, फिर बी ब्लू, वायलेट, फिर ग्रे और नाइन में वाइट आ जाएगी। उसके बाद टॉलरेंस आती है। टॉलरेंस के अंदर सबसे पहले आपके पास आ जाता है गोल्डन, ओके, दूसरा आ जाता है सिल्वर, और इसके बाद एक कलरलेस होता है। ये इनके यहाँ कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। फर्स्ट टू कलर्स रिप्रेजेंट द सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, थर्ड उसके मल्टीपल इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, 10^0, 10^1, 2, 3 और ऐसे चलते हुए 10^9 और यहाँ 10^-1 और -2। क्लियर। उसके बाद टॉलरेंस होती है, यहाँ पर 5% रहती है, यहाँ 10 रहती है और कलरलेस के लिए 20% हो जाएगी। अब क्वेश्चन में देखिए, फर्स्ट कलर क्या है, रेड। रेड कलर के लिए आपके पास फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 2, तो इसका मतलब क्या आ गया, 2। सेकंड वायलेट के लिए आपके पास कितना है, 7 इंटू ऑरेंज। ऑरेंज के लिए आपने देखा है कितना है, 10^3 ओम, जिसे आप लिख सकते हैं 27 किलो ओम। और टॉलरेंस क्या है, सिल्वर। सिल्वर के लिए क्या है, 10%। ओके, देन इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 27 किलो ओम 10%। कई बार आपसे इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछ लेता है, एक्चुअली में आप लिख सकते हैं 27 प्लस माइनस 10% किलो ओम। ओके, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 10% इससे ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। इसका 10% क्या होगा, 27 का 10% आपके पास हो गया 2.7, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 27 प्लस 2.7 किलो, और मिनिमम क्या होगी, 27 माइनस 2.7 किलो। ओके, तो इस तरह से भी आगे क्वेश्चन पूछ सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपसे सर्किट से रिलेटेड आया है, किरचॉफ के फर्स्ट लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है। किरचॉफ के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग एट एनी जंक्शन द टोटल सम ऑफ करंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0। क्वेश्चन पढ़े क्या है, When the switch S in the circuit show is closed, जब इस स्विच को क्लोज करते हैं, then the value of current I will be, इसकी वैल्यू पूछी है। देखो, ग्राउंड का पोटेंशियल 0 होता है, इस पॉइंट का पोटेंशियल 20 दिया है, इसका 10 दिया है। मान लो ये I इधर को जा रही है, हो सकता है आप डायरेक्शन ऊपर को भी ले लें, लेकिन जो भी आप डायरेक्शन लोगे, अगर रिजल्ट पॉजिटिव आया तो आपने सही लिया, नेगेटिव आया तो रॉन्ग लिया, राइट। यहां से करंट मान लीजिए I1 आ रहा है, इधर से करंट I2 आ रहा है। एट द जंक्शन C, कमिंग करंट, द सम ऑफ कमिंग करंट इज द सम ऑफ आउट गोइंग करंट। कमिंग करंट कौन सी, I1 एंड I2, द सम ऑफ I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I। I1 क्या होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लो VC है, तो 20 माइनस VC, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C इज इक्वल टू 20 माइनस VC बाय रेजिस्टेंस R2 प्लस I2 क्या है, 10 माइनस VC,
10 माइनस वी सी ओवर 4 इक्वल टू वी सी माइनस 0 बाय 2। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आया 10 माइनस वी सी बाय 2 प्लस 2.5 माइनस वी सी बाय 4 इक्वल टू वी सी बाय 2। तो उधर लेकर जाएंगे, क्या आया 12.5 इक्वल टू 5 वी सी बाय 4। तो आपके पास वी सी की वैल्यू क्या आ गई 12.5 इंटू 4 बाय 5। तो ये क्या है 2.5 इक्वल टू 10 वोल्ट आ गया। ओके, देन द वैल्यू ऑफ आई इज गिवन एज आई इक्वल टू 10 माइनस 0 बाय रेजिस्टेंस कितना है 2 इक्वल टू 5 एम्पियर। द आंसर विल बी 4th। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन काफी सिंपल कंसेप्ट हमने पढ़ा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट। ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको करंट दी है, आपको इसने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछी है। मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की थोड़ी सी बात करूं यहां पर। जब भी आपके पास किसी कंडक्टर की बात करते हैं तो इन एनी कंडक्टर इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज नो फ्लो इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज जिगजैग। ड्यू टू जिगजैग मोशन द इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स इज जीरो बट एवरेज स्पीड इज नॉट इक्वल टू जीरो। द एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज गिवन वी इक्वल टू रूट 3 के टी बाय एम वेयर के इज बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट टी इज टेम्परेचर एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एट रूम टेम्परेचर द स्पीड एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अप्रॉक्सीमेट 10^5 मीटर पर सेकेंड। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है इस पॉइंट से रिलेटेड कि किसी भी कंडक्टर के अंदर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड 10^5 मीटर पर सेकेंड होती है तो फिर भी उसमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता, इसका रीजन क्या है? इसका बेसिक रीजन है द जिगजैग द रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिगजैग मोशन कह सकते हैं, रैंडम मोशन कह सकते हैं। ओके, तो ये इसका मेन रीजन क्या है? द रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, देयर इज नो फ्लो ऑफ चार्ज इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। क्लियर। अब हम बात करेंगे यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। When an external electric field is applied on a conductor, then all electrons start to accelerate in the opposite direction of external electric field with a constant acceleration because electric field constant, electron पर लगने वाला force constant, but force क्या होगा? Opposite to the electric field, then acceleration भी क्या रहेगा? Constant रहेगा। Okay? और जैसे ही आप कोई external electric field apply करेंगे तो उस केस में इलेक्ट्रॉन्स की मोशन रैंडमली थी, वहां से वो पैरेलल आने की कोशिश करेगी। यहां एक बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है कि इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द पाथ बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन बट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द पाथ बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन मे बी स्ट्रेट लाइन और मे बी कर्व्ड बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो। ओके, जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुआ था उस केस में इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं थी। मेरी बात क्लियर? तो उस केस में जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो वो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल मोशन करने की कोशिश करेंगे इन द अपोजिट डायरेक्शन। और जब वो पैरेलल मोशन स्टार्ट करेंगे उस इंस्टेंट पर उनकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। मेरी बात क्लियर? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन सभी का एवरेज होगी। तो उस केस में आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लिख सकते हैं VD वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर टो बाय ME। ओके, A वेक्टर टो, सॉरी, क्या लिख सकते हैं? VD वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर टो। टो क्या है? टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। क्या होता है टाइम ऑफ रिलैक्सेशन? वो एवरेज टाइम जब सारे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल मूव करने लगेंगे। इसका जो वैल्यू होता है टो का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके?
रूट टी के। टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर टाइम ऑफ रिलैक्सेशन डिक्रीज होता है, याद रखना पड़ेगा। ओके, यहां पर आपके पास वी डी की वैल्यू क्या होती है, माइनस ई वेक्टर, ई वेक्टर टू बाय, ई वेक्टर क्या है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में, सॉरी यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एन हो, उस केस में हम कह सकते हैं इतने से वो ड्रिफ्ट हो रहे हैं तो वो एक एंड से दूसरे एंड तक आने में कितना टाइम लगाते हैं, एल बाई वी डी, क्लियर। और टोटल चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन्स का कितना चार्ज हो गया, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, लेंथ एल है, तो आप क्या लिखेंगे, एन ए एल, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ई, चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, देन आई क्या होगा आपके पास, क्यू बाय टी होगा। वैल्यू पुट करेंगे आपके पास एन ई ए वी डी हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन रहता है, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, ए क्रॉस सेक्शन एरिया, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम। अब आइए क्वेश्चन क्या कहता है, ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन 1.5 एम्पीयर ऑफ करंट फ्लो इन ए कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन 5 मिलीमीटर स्क्वायर इज वी, इफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द कॉपर इज 9×10^28 पर मीटर क्यूब, द वैल्यू ऑफ वी इन मिलीमीटर पर सेकेंड इज क्लोज टू, टेक द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6×10^-19। देखिए क्वेश्चन के अंदर कहीं भी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिए, ओके, उसके बिना आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम पता करनी है। हमें दिया क्या है, मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम दिया है, किसका है, कॉपर का है, ओके। तो इस कॉपर के लिए आपको नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिफाइन करने हैं, कैसे करते हैं, क्या तरीका है, देखिए कॉपर के लिए बात करें, कॉपर के अंदर 63.5 ग्राम कॉपर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अवोगाड्रो संख्या होती है, तो 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे, 6.2×10^23 बाय 63.5। अगर एम केजी मास है तो आप लिख सकते हैं एम इंटू 10^3 ग्राम के अंदर कितने हो जाएंगे, 6.02×10^23 बाय 63.5×m×10^ ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है। अगर उसका वॉल्यूम v है तो उस केस में स्मॉल n क्या हो गया, टोटल नंबर बाय वॉल्यूम, और m बाय v को आप क्या लिखेंगे, डेंसिटी, तो आपके पास क्या आ गया, 6.02×10^26 बाय 63.5×density d, क्लियर। डेंसिटी d आपको गिवन है, क्या थी, 9×10^28। देन अब फॉर्मूला पुट करेंगे, I इक्वल टू एन ई ए वी डी, देन वी डी इक्वल टू I बाय एन ई ए, आपको n पता है, I क्वेश्चन में गिवन है, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, एरिया 5 मिलीमीटर स्क्वायर है, इसको कन्वर्ट कर देंगे मीटर स्क्वायर में, क्या आ गया, 5×10^-6 मीटर स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा इसका, अप्रोक्सीमेट 0.02 आ जाएगा, ओके, सॉरी मिलीमीटर में पता करना था, तो यहां पर जो रिजल्ट आएगा आपके पास वो ये आएगा, 2×0.02×10^-3 मीटर पर सेकंड आएगा, जिसे आप लिख सकते हैं 0.02 मिलीमीटर पर सेकंड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड ऑफ टू स्क्वायर प्लेट्स ऑफ साइड ए सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी, द लोअर ट्रायंगुलर पोर्शन इज फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के एज शो इन फिगर, द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर इज। देखिए आप सभी को पता है जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस क्या होती है, वैक्यूम के अंदर हम क्या पढ़ते हैं,
एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, और अगर कोई मीडियम हो तो एप्सिलॉन नॉट के बाय के ए बाय डी। मेरी बात क्लियर? लेकिन यहां पर आपको जो मीडियम दिया होगा वो क्या होता है, ऑलवेज उसके टोटल रीजन में होता है। क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया है कि इसके ट्रायंगुलर पार्ट में कोई के दे दिया है और आधे ट्रायंगुलर पार्ट में कुछ नहीं दिया, एयर है, राइट? तो ये एक तरह से यहां एयर है, यहां मीडियम है। तो उस केस में जब हम इसका कैपेसिटेंस डिफाइन करना चाहेंगे तो हमें उस केस में एलिमेंट पार्ट लेकर के करना होगा। क्यों? बिकॉज यूनिफॉर्मली इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, किसका, डाइलेक्ट्रिक मीडियम का। तो हम क्या करते हैं, यहां से एक्स डिस्टेंस पर एक एलिमेंट लेते हैं डी एक्स, ओके? अब इस एलिमेंट के अंदर भी दो रीजन है, वन रीजन में एयर है और रिमेनिंग वन रीजन में क्या है, मीडियम है। हमें इन दोनों रीजन की लेंथ पता होनी चाहिए, ओके? हम यहां से इस लेंथ को मान लेते हैं ये वाई है, तो ये रिमेनिंग रीजन की लेंथ कितनी होगी, डी माइनस वाई। कहने का मतलब दो प्लेटों के अंदर dx लेंथ की इस प्लेट के अंदर y रीजन में तो मीडियम है और d माइनस वाई रीजन में एयर है, ओके? ये इधर इसका इनपुट होगा और इधर इसका क्या होगा, आउटपुट। तो इधर पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये फिर पॉजिटिव, ये फिर नेगेटिव, इसका मतलब ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, ओके? तो पहले मैं इस y को डिफाइन करूंगा। कैसे करेंगे, सिमिट्री में हम ट्राइंगल के मेथड से देखेंगे। ये आपके पास एक ट्राइंगल है, ये टोटल लेंथ ए है, ये आपके पास डी है, इस ट्राइंगल के अंदर ये आपके पास वाई है, इसकी लेंथ एक्स है। तो सिमिट्री में देखें, ये वाई बाय डी इक्वल टू, वाई बाय डी इज इक्वल टू एक्स बाय ए, मतलब वाई की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, एक्स डी बाय ए आ जाएगी, ओके? अब नीचे वाले पोर्शन के लिए देखें, इस प्लेट की लेंथ कितनी है, डी एक्स, और विड्थ जो दिख नहीं रही आपको वो क्या है, ए, विड्थ ए और थिकनेस क्या है, डी, तो डी एक्स। तो आप लिख सकते हैं इसका एरिया क्या हो गया, ए डी एक्स, क्लियर? अब देखिए कैपेसिटेंस सी वन क्या होगा, डी सी वन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, आपके पास वैल्यू किसकी देखेंगे सबसे पहले, इसकी, तो इसका एरिया क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के एरिया डी ए ओवर इनके बीच की डिस्टेंस वाई, आपके पास क्या रिजल्ट आ गया, एप्सिलॉन नॉट के डी ए ए डी एक्स ओवर वाई, वाई क्या है, एक्स डी बाय ए। तो आपके पास क्या रिजल्ट आ गया, डी सी वन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के ए स्क्वायर बाय एक्स डी इंटू डी एक्स, ओके? ऐसे ही हम दूसरे की बात करेंगे, इसमें क्या है, एयर, देन आप क्या लिख सकते हैं, डी सी टू इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी ए ओवर, इसकी लेंथ कितनी है, डी माइनस वाई, y की वैल्यू पुट करेंगे क्या आया, डी सी टू इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए की वैल्यू क्या है, ए डी एक्स ओवर डी माइनस वाई, तो डी माइनस वाई क्या हो गया, डी माइनस एक्स डी बाय ए, डी को बाहर लेंगे तो आपके पास क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर डी एक्स ओवर क्या आ जाएगा आपके पास, ए माइनस एक्स इंटू डी, क्लियर? अब देखिए बोथ आर इन सीरीज, कैसे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये अगेन पॉजिटिव ये फिर नेगेटिव, तो इनका रिजल्टेंट क्या हो गया, वन बाय डी सी इक्वल टू वन बाय डी सी वन प्लस वन बाय डी सी टू, वैल्यू पुट करेंगे आपके पास क्या आया, डी सी वन की वैल्यू क्या है, डी माइनस वाई ओवर एप्सिलॉन नॉट के, सॉरी ये वैल्यू क्या है आपके पास डीसी की,
डीसी वन की वैल्यू है एक्स डी ओवर एप्सिलॉन नॉट के ए स्क्वायर डीएक्स प्लस डी सी टू की वैल्यू क्या होगी एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, प्लस डी ए माइनस एक्स ओवर एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर डीएक्स। आपके पास जो कॉमन आ रहा है उसे बाहर रख लीजिए, क्या आ गया कॉमन डी बाय एप्सिलॉन नॉट के ए स्क्वायर डीएक्स कॉमन ले लीजिए। यहां से क्या बचा एक्स, यहां के नहीं था तो आपके पास क्या आ गया के ए माइनस के एक्स। ओके, अब आप लिख सकते हैं डीसी इक्वल टू क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट के ए स्क्वायर डीएक्स ओवर डी इंटू के ए माइनस के माइनस वन इंटू एक्स। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई डीसी की। अब डीसी की वैल्यू ये है तो टोटल सी क्या होगा इंटीग्रेट कर देंगे और इंटीग्रेशन एक एंड से दूसरे एंड तक देखेंगे तो आपके पास सी की वैल्यू क्या आ जाएगी सी इक्वल टू इंटीग्रेशन डीसी। आप डीसी की वैल्यू पुट करते हैं तो उस केस में आपके पास क्या रिजल्ट आया एप्सिलॉन नॉट के ए स्क्वायर ओवर डी इंटीग्रेशन डीएक्स बाय कहां से लेकर के ए माइनस के माइनस वन एक्स जीरो से लेकर के ए तक आप इसकी इंटीग्रेशन कर दोगे। क्लियर, आपके पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी एक्स का, वन बाय ए प्लस बी एक्स का क्या लिखते हैं माइनस वन बाय बी लॉग ई ए प्लस माइनस बी एक्स। तो वैसे ही कुछ फॉर्मूला बनेगा, क्या आया एप्सिलॉन नॉट के ए स्क्वायर बाय डी लॉग के ए माइनस के माइनस वन एक्स ओवर माइनस के माइनस वन जीरो टू ए। अब जीरो से ए तक इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या रिजल्ट आया एप्सिलॉन नॉट के ए स्क्वायर बाय डी माइनस का के माइनस वन, अपर लिमिट क्या है ए, तो ए रखते ही क्या होगा के ए माइनस के ए प्लस ए, वैल्यू ए रखते क्या हुआ के ए माइनस के ए और माइनस माइनस प्लस ए, तो क्या बचा लॉग ए बचेगा माइनस जीरो रखते ही ये जीरो हो जाएगा तो क्या बचेगा लॉग के ए। आपको पता है लॉग के ए बड़ा है लॉग ए से, तो इस नेगेटिव को अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा ये पॉजिटिव, तो क्या आया एप्सिलॉन नॉट के ए स्क्वायर बाय डी के माइनस वन, और इंट्रोड्यूस करते ही आपके पास क्या आया लॉग के ए माइनस लॉग ए। तो लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला क्या होता है लॉग ए बाय लॉग बी, तो लॉग के ए बाय ए ए से ए कैंसिल तो क्या बचा लॉग के बच जाएगा। मेरी बात क्लियर, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा होगा क्या एप्सिलॉन नॉट के ए स्क्वायर बाय डी के माइनस वन लॉग के, तो ऐसा ऑप्शन आपके पास कौन सा है क्वेश्चन में देखिए आपके पास आ जाएगा थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। थोड़ा लेंथी है कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, थोड़ा सा कंफ्यूज किया होगा इसने आपको, लेकिन थोड़ा इंटीग्रेशन था लंबा क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद स्क्वायर प्लेट इज फिल्ड विद फोर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के वन के टू के थ्री के फोर आर अरेंज्ड एज शोन इन फिगर द इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के विल बी। ओके, देखिए ये क्वेश्चन बोनस था इस बार जेई मेन के अंदर, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर बोनस हो गया था क्योंकि कोई भी इसका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, लेकिन आएगा क्या हम उसकी बात करते हैं। देखिए ये एरिया a/2 हो गया, डिस्टेंस d/2। मान लो पूरे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सी है, जिसे आप एप्सिलॉन नॉट a/d लिखते हैं,
तो इनकी अलग अलग क्या होगी, एरिया ए बाय टू, डिस्टेंस डी बाय टू, तो ये क्या हो गया, आप सी वन को क्या लिखेंगे, के वन सी लिखेंगे, क्लियर। ऐसे ही इसको क्या लिखेंगे, सी टू इक्वल टू के टू सी लिखेंगे, ऐसे इसको सी थ्री इक्वल टू के थ्री सी लिखेंगे, और ऐसे इसको सी फोर क्या लिखेंगे, के फोर सी लिखेंगे। अब देखिए यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम एंड सॉरी यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ये जा रही हैं, इसको ब्रेक कैसे करना है, ब्रेक करने में कंफ्यूजन होता है। ये बोथ के वन एंड के टू, सी वन एंड सी टू आर सीरीज, और इनका रिजल्टेंट सी थ्री और सी फोर के सीरीज के पैरेलल होगा। कहने का मतलब आपके पास कैसा होगा, एक कैपेसिटेंस ऐसा C1, ये C2, ये आपके पास C3, ये आपके पास C4। अब इस कॉम्बिनेशन का आपको पता करना है, ये C1, C2, C3 और C4। आपको पता है ये दोनों क्या है, सीरीज में, और सीरीज का रिजल्टेंट क्या होता है, C1 C2 by C1 plus C2, और बाद में इनका रिजल्टेंट इसके साथ पैरेलल है, तो टोटल C को मैं क्या लिख सकता हूं, C equivalent equal to C1 C2 by C1 plus C2, C3 C4 by C3 plus C4। इनकी वैल्यू पुट करेंगे क्या होगा, सी के वन सी के टू, सी के वन सी के टू बाय सी के वन प्लस सी के टू प्लस सी के थ्री सी के फोर बाय सी के थ्री प्लस सी के। आपको इक्वालेंट के निकालना है तो आप लिख सकते हैं सी के इक्वालेंट, सी कैंसिल हो जाएंगे, फाइनली आपके पास क्या बचेगा, के इक्वालेंट इक्वल टू, यहां से रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा के वन के टू बाय के वन प्लस के टू प्लस के थ्री के फोर ओवर के थ्री प्लस के। तो आपके पास के इक्वालेंट क्या है, के वन प्लस के टू और के थ्री प्लस के फोर, यहां से आपके पास क्या आ गया, के वन के टू के थ्री प्लस के फोर और प्लस के थ्री के फोर और के वन प्लस के टू। ऐसा कोई भी ऑप्शन वहां मैच नहीं कर रहा, इसलिए ये क्वेश्चन क्या था, बोनस हो गया था। ओके, तो ये आपके पास इसका कहीं भी ये ऑप्शन मैच नहीं करेगा, किसी भी ऑप्शन के अंदर के वन के टू के थ्री प्लस के फोर प्लस के थ्री के फोर इंटू के वन प्लस के टू बाई के वन प्लस के टू के थ्री प्लस के फोर नहीं आ रहा। ओके, इसलिए ये क्या था, बोनस क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट, इन द गिवन सर्किट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 18 वोल्ट सेल, 18 वोल्ट सेल इज नेग्लिजिबल इफ आर वन इक्वल टू 400 ओम एंड आर थ्री इक्वल टू 100 ओम, आर फोर इक्वल टू 500 ओम एंड रीडिंग ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर अक्रॉस आर फोर इज 5 वोल्ट, देन द वैल्यू ऑफ आर टू विल बी। देखिए आपके पास एक सीरीज और पैरेलल का मिक्स सा कॉम्बिनेशन है, उस केस में इसने आपको गिवन किया है यहां पर कि आर फोर पर पोटेंशियल कितना है, 5 वोल्ट है। इसका मतलब इसके अंदर आपको करंट पता लग जाएगी कितनी जा रही है। ओके, आपको आर टू की वैल्यू पता करनी है, क्लियर। अगर यहां पर 5 वोल्ट है तो आपको यहां का पोटेंशियल भी पता लग जाएगा। कैसे लगेगा, करंट आई इक्वल टू कितना पता लगा आपको, यहां पर यहां से I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज क्या है 5, R4 कितना है आपके पास, R4 की वैल्यू 500 दी है, तो आपके पास कितना आ गया, 1/100 एम्पियर आ जाएगा। मेरी बात क्लियर, अगर इसमें करंट 1/100 है तो V3 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, I1 R3, I1 कितनी है 1/100 इंटू आर थ्री, R3 की वैल्यू आपके पास 100 है तो कितना आ गया, ये 1 वोल्ट आ जाएगा, क्लियर। इसका मतलब यहां आपको पता लग गया 1 वोल्ट है, ये टोटल 6 है तो यहां भी 6 वोल्ट होगा, तो यहां कितना बचेगा आपके पास, 12 वोल्ट। अगर यहां 12 वोल्ट है क्योंकि टोटल कितना था, 18 वोल्ट। ओके,
तो आपके पास I की वैल्यू क्या होगी, 12/R1, R1 की वैल्यू आपके पास 400 है, तो कितना आ गया, 3/100 एम्पियर आ जाएगा। अब 3/100 एम्पियर में से I1 कितना है, 1/100, तो I2 क्या हो गया, I माइनस I1, तो उस केस में आपके पास कितना हो जाएगा, 2/100 एम्पियर हो जाएगा, क्लियर। और अगर यहां जाने वाली करंट 2/100 एम्पियर है तो R2 क्या होगा, पोटेंशियल 6 है, तो आप लिख सकते हैं 6 = 2/100 R2, तो इसका मतलब आपके पास R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 300 ओम आ जाएगी, आंसर क्या होगा, 4th हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन, फिर से कार्बन कलर कोड वाला आ गया है, एक कार्बन रेजिस्टेंस है, जो कलर कोड आपको गिवन है GOY, और लास्ट वाला क्या दिया है, गोल्डन दिया है। आपको पता है वहां पर आपने रिजल्ट देखा था, ये ग्रीन है, ओ आपके पास ग्रे भी हो सकता है, राइट, ग्रीन भी हो सकता है, एक बार चेक कर लेते हैं, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये ओके, ग्रे की वैल्यू 6 से ज्यादा होगी, इसका मतलब ग्रे तो है नहीं, क्योंकि कोई भी ऑप्शन 6 से ज्यादा नहीं है, इसका मतलब ये ग्रीन है, ग्रीन है तो आपके पास कलर कौन कौन से हैं, एक तो 5 है, किसका, ग्रीन का, ऑरेंज का आपके पास कितना है, 3, तो 5, 3 पहले दो सिग्निफिकेंट फिगर आ गए, वाई कितना है, 10^4, क्लियर, और प्लस टॉलरेंस कितना है, 5%, तो आपके पास ये कितना हो गया, 530 × 10^3 ±5%, तो ये आपके पास किलो ओम हो जाएगा, 530 किलो ओम ±5%, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपके पास 3rd आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8th क्वेश्चन देखिए, फिर से एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया है, फिर से आपको 3 डिफरेंट मटेरियल दिए हैं, आपको पता है इन सभी का पॉजिटिव यहां पर एक ही प्लेट पर है, और यहां क्या है, नेगेटिव एक पर ही है, इसका मतलब तीनों ही पैरेलल हैं, तीनों पैरेलल हैं, तो उस केस में रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में C1 + C2 + C3 लिख सकते हैं, टोटल सी की बात कर रहा है, ये इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, a/3 a/3 a/3, आप इसको क्या लिख सकते हैं, ε₀ k equivalent a/d = ε₀ k1 a/3, क्योंकि एरिया कितना है, 1/3/d +ε₀ k2 a/3 + d +ε₀ k3 a/3 d, ये सब कैंसिल हो जाएंगे, लास्ट में क्या बचा, k equivalent = k1 + k2 + k3 / d, k1 कितना है आपके पास, 10, 12, 14, तो 36/3 कितना हो गया आपके पास, 12 आंसर आ जाएगा, 12 आंसर आ जाएगा, 3rd आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन में क्या दिया, इन द गिवन सर्किट द सेल्स हैव 0 इंटरनल रेजिस्टेंस, द सर्किट करंट इज पासिंग थ्रू द रेजिस्टेंस R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली, ये दोनों सेल हैं, इनका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, गौर से देखिए, ये आपके पास सेल है, मान लो ये आपके पास +10 है, तो ये डेफिनेटली 0 होगा ना, ये 0 है तो ये डेफिनेटली, ये 10 वोल्ट है, ये 10 है तो ये डेफिनेटली क्या होगा, 0, इसका मतलब R2 के दोनों एंड क्या है, सेम पोटेंशियल पर है, इसका मतलब इसमें करंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, इसका दोनों एंड क्या है, 10 और 0 पर है, इसका मतलब इसमें जो करंट I1 होगी वो 10/20, तो कितना हो गया, 1/2 मतलब 0.5, तो एक में 0.5 है, दूसरे में 0, काफी सिंपल। ओके, नेक्स्ट देखिए, सर्किट के क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं, आप कोशिश करो उनके बोथ एंड्स पर
पोटेंशियल पता करने की, वहां से ड्रॉप निकालते हुए आप उनका करंट निकाल सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ए यूनिफॉर्म मेटालिक वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 18 ओम इज बैंड इनटू एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, देन द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू वर्टिक्स ऑफ द ट्रायंगल। देखो 18 है, तीन वायर में तोड़ा है तो यूनिफॉर्म है, तो एक का कितना हो गया 6 ओम, 6 ओम और 6। ये ए है, ये बी है और ये सी। आप क्या कर रहे हो कि ए और बी के बीच में देख रहे हैं, तो ये दोनों क्या हो गया, सीरीज में हो गया। दोनों सीरीज में कितना हो गया 12 ओम, 12 ओम। 6 के साथ क्या है पैरेलल, तो पैरेलल में कितना हो गया आपको पता है R1 R2 by R1 plus R2, तो क्या आ जाएगा 6 into 12 by 18, तो आपके पास कितना बचा 4 ओम आ जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या होगा, थर्ड। काफी सिंपल। ओके नेक्स्ट देखिए, ए 2 वाट कार्बन रेजिस्टर इज कलर कोडेड विद ग्रीन, ब्लैक, रेड एंड ब्राउन। ये किसी काम का नहीं, ब्राउन पर उसकी टॉलरेंस जीरो रहेगी। ओके उस केस में द मैक्सिमम करंट विच कैन बी पास थ्रू दिस रेजिस्टर इज, तो इसका रेजिस्टेंस निकाल लीजिए क्या है। ग्रीन के लिए क्या होगा, आप फिर से लिख लीजिए इसको। ब्लैक के लिए जीरो होता है, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4 और ग्रीन के लिए 5। तो कितना आ गया 5। सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर किससे आएगा, ब्लैक से। ब्लैक के लिए क्या है 0। थर्ड क्या है रेड, रेड के लिए क्या होता है 10^2। तो ये 5 into 10^3 ओम आ जाएगी। अब आपको उसने मैक्सिमम करंट पूछा है, आपको पता है पावर P इक्वल टू क्या होता है I² R ना, तो I इक्वल टू क्या हो गया P बाय R का रूट। P कितना दिया है आपको 2 वाट बाय 5 का कितना हो गया 25 into 10^6 का रूट। ओके तो आपके पास R कितना था 5 into 10^3 था। ओके तो आपके पास इसका स्क्वायर कितना हो गया, सॉरी 5 into आपके पास इसकी वैल्यू थी 5 into ये 2 था, ये था 5 into 10^3 का रूट। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 by 25 into 10^2 का रूट, क्या आ गया 1/50 एम्पियर आ जाएगा। ओके इसको आप मिली एम्पियर में कन्वर्ट कर लेना, आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। ओके जब आप इसको मिली एम्पियर में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आया, उस केस में आपके पास into 10^-3 by 10^-3 ये आपके पास हो गया 1000/50 mA, तो आपके पास आ जाएगा 20 mA। 20 mA मतलब थर्ड आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए करंट ऑफ 2 mA इज पास थ्रू एन अननोन रेजिस्टर विच डिसिपेटेड ए पावर ऑफ 4.4 वाट। डिसिपेटेड पावर व्हेन एन आइडियल पावर सप्लाई ऑफ 11 वाट इज कनेक्टेड अक्रॉस इट इज। देखो कोई रजिस्टर है 2 mA करंट पर कितनी पावर है 4.4, तो आप लिख सकते हैं P इक्वल टू क्या होगा I² R ना, देन R क्या हो गया आपके पास P/I², P क्या है 4.4/2 into 10^-3 into 2 into 10^2। आपके पास क्या रिजल्ट आ गया 1.1 into 10^6। अब वो कह रहा है कि जब आपके पास 11 वोल्ट होगा उस केस में पावर क्या होगा V² by R, तो आपके पास क्या है 11 into 11 by 1.1 into 10^6। तो आपके पास ये कैंसिल हुआ, क्या आया 11 into 10^-5 वाट आ जाएगा।
ओके, ऐसा कोई ऑप्शन आपके पास सेकंड आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग ए कैपेसिटेंस 12 पिकोफैरड इज चार्ज्ड बाय ए बैटरी ऑफ ए पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट बिटवीन इट्स प्लेट्स। द चार्जिंग बैटरी इज नाउ डिसकनेक्टेड एंड ए स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 6.5 इज स्लिप्ड बिटवीन द प्लेट्स। द वर्क डन बाय द कैपेसिटर ऑन द स्लैब इज। जब भी आप किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं और बैटरी को रिमूव कर देते हैं, रिमूव करने के बाद अगर आप उसकी कैपेसिटेंस को चेंज करते हैं तो उसका चार्ज चेंज नहीं होगा, बिकॉज चार्ज का सोर्स आपने रिमूव कर दिया है। तो कैपेसिटेंस चेंज करने पर पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर चेंज होगा, लेकिन अगर बैटरी कनेक्टेड है तो आप उसके कैपेसिटेंस को चेंज करोगे देन उसका पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, बिकॉज पोटेंशियल वही रहेगा जो उससे कनेक्टेड सोर्स है। उस केस में चेंज होगा तो चार्ज चेंज होगा। ये दो बातें आपने याद रखनी है। या डिसकनेक्टेड है, डिसकनेक्टेड है तो पहले कैपेसिटेंस क्या था 12, बाद में क्या हो गया 12K हो जाएगा, तो उस केस में आपके पास यू इक्वल टू क्या होगा Q² / 2। अब वर्कडन पता करना है तो वर्कडन कैसे पता करेंगे, वर्कडन बाय एक्सटर्नल ऑलवेज क्या होता है U final - U initial। क्लियर? तो आपके पास यहां से रिजल्ट क्या हो जाएगा, यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहा है तो इनिशियल माइनस फाइनल हो जाएगा। आपके पास क्या आया Q² / 2 1 by C1 - 1 by C2। आप Q को क्या लिख सकते हैं C² V² / 2। V क्या है इनिशियली पोटेंशियल और C क्या है इनिशियल कैपेसिटेंस, और इसे क्या लिखेंगे 1 by C - KC। आप KC एलसीएम लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा C² V² / 2 KC × K - 1 आ जाएगा। क्लियर? सी से सी कैंसिल होगी, सी पीको फैड में है तो एनर्जी भी पीको जूल में आ जाएगी। क्लियर? तो आपके पास फाइनली रिजल्ट क्या मिला आपको 1/2 × कितना है 12 × 100, ओके, बाय 6.5 × 5.5। ये कैंसिल हो गया 6, राइट? तो ये आपके पास क्या आ गया 6 × 5.5 / 6.6 × 10⁻²² पीको जूल हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट निकाल लेंगे तो अप्रोक्सीमेट आपके पास इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसका अप्रोक्सीमेट रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 508 आ जाएगा, 508, क्योंकि 6.65 से कैंसिल 6 से करते हैं तो 55 होगा, उससे थोड़ा कम आ जाएगा। ओके, तो 550 से कम आपके पास कौन सा है 508। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कैपेसिटर का है, फिर से उनके कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन। इन द फिगर बिलो द चार्ज ऑन द लेफ्ट प्लेट ऑफ 10 माइक्रोफेरड, लेफ्ट प्लेट पर कितना है -30, तो डेफिनेटली राइट पर भी कितना होगा +30। देन फाइंड द चार्ज ऑन द राइट प्लेट ऑफ द 6 माइक्रोफेरड। देखिए ये 30 है तो यहां चार्ज का डिवीजन हुआ है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव, तो पहली बात तो चार्ज पॉजिटिव होगा, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकते। क्लियर? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं हो सकते। दूसरी बात देखिए, यह चार्ज का डिवीजन हुआ है, मैंने बताया था पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, चार्ज का डिवीजन होगा, किस रेशियो में होगा, आपको पता है पोटेंशियल सेम होता है Q = CV, तो Q1 / Q2 क्या लिखेंगे C1 / C2, तो 6/4 मतलब 3/4। ये Q चार्ज जो है वो 3:2 में डिवाइड होगा, तो 3:2 टोटल 5 डिवीजन होंगे, इसका मतलब एक डिवीजन कितने का है 6 का, 3 डिवीजन ऊपर है 2 डिवीजन नीचे है, 3 डिवीजन का मतलब 6 6 6 टोटल कितना हो गया
18, तो यहां 18 यहां आ जाएगा, 12 यहां आ जाएगा। हमें 6 माइक्रोफेरेड की राइट प्लेट पर पूछा है तो वहां पर प्लस 18 माइक्रो जूल हो जाएगा। ओके, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, 15th क्वेश्चन देखिए। 15th क्वेश्चन में बोला है कि 2 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, इन्हें कनेक्ट करके 6/13 बनाना है। तो आपको हर ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। देखिए यहां तीनों चारों किस्में हैं पैरेलल में, पैरेलल में ऐड हो जाते हैं, तो इनका पैरेलल कितना हो गया 8 और इनका सीरीज कितना हो गया 2/3। इन दोनों का फिर सीरीज है, तो फिर सीरीज है तो आपके पास क्या हो गया 8 × 2/3 / 8 + 2/3, 3 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास कितना आया, ये कितना हो गया 16/24 + 2 कितना हो गया 26, तो ये हो गया 8/13। आपको क्या लेना है 6/13, ये नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, यहां ये दोनों पैरेलल हैं तो 2 × 4 और ये सीरीज में है तो कितना हो गया 2/5। इनका रिजल्टेंट फिर से सीरीज में है तो क्या होगा 4 × 2/5 / 4 + 2/5, 5 कैंसिल हो जाएगा 8/22 आ जाएगा, तो कितना हो गया 4/11, ये भी नहीं है। यहां देख लीजिए, ये 5 किस्में है पैरेलल में, तो 5 पैरेलल कितना हो गया 10 और 2 सीरीज में कितना हो गया 1 और ये आपस में क्या है सीरीज में, तो 10/11, ये भी नहीं है। यहां देखिए तीनों किस्में है पैरेलल, तो कितना हो गया 6, ये 4 किस्में है सीरीज में तो 2/4 कितना हो गया 1/2। रिजल्ट क्या आया 6 × 1/2 / 6 + 1/2 तो कितना आ जाएगा 6/13। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा 4th हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिर से बैटरी का कॉम्बिनेशन है, ए और बी के बीच में आपसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है। ओके, एक ओपन सर्किट है, इसका मतलब यहां कोई करंट नहीं, तो आपको सिर्फ इन दोनों का डिफरेंस पता करना है, किसमें डी और सी में। आपको पता है 3 पैरेलल कैपेसिटर सेल लगे हुए हैं और पैरेलल सेल का जो रिजल्टेंट होता है वो आपको पता है क्या होता है, ई इक्वालेंट इक्वल टू क्या लिखते हैं E1/R1 + E2/R2 + E3/R3 / R1 + 1/R2 + 1 वैल्यू रख लीजिए, क्या हो जाएगा आपके पास 1/1 / 2/1 / 3/1 / 3/1 / 6/3 कितना आ गया 2 वोल्ट आ जाएगा। आंसर क्या होगा 3rd। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। इन द फिगर शो आफ्टर द स्विच एज टर्न फ्रॉम पोजिशन ए टू पोजिशन बी द एनर्जी डिसिपेटेड इन द सर्किट इन टर्म ऑफ कैपेसिटेंस सी एंड टोटल चार्ज क्यू इज। देखिए टोटल चार्ज क्यू की टर्म में आपको पता करना है, टोटल चार्ज क्यू क्या है, इस कैपेसिटर ने इसको दिया चार्ज क्यू, तो क्यू क्या हो गया आपके पास क्यू इक्वल टू सी ई। अब आपने इसे यहां से ब्लॉक कर दिया और यहां अटैच कर दी, देन क्या होगा आपके पास एनर्जी का लॉस होगा। और आपको पता है व्हेन टू कैपेसिटर आर कनेक्टेड एंड द पोटेंशियल ऑन बोथ आर V1 एंड V2 देन द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, सेम वैसे ही फॉर्मूला होता है जैसा परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन में होता है। वहां मास आ जाता है, यहां पर कैपेसिटेंस, यहां वेलोसिटी आ जाती है, यहां पोटेंशियल। तो लॉस का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है डेल यू इक्वल टू C1 C2 / 2 C1 + C2 × V1 - V2 का। अब वैल्यू पुट कर लीजिए, आपके पास क्या वैल्यू है यहां से देखिए, C1 C2 की वैल्यू रखेंगे डेल यू इक्वल टू V1 कितना है आपके पास E था, इसके इक्वल था, और V2 क्या था 0। तो आपके पास डेल यू क्या हो गया C × 3C / 2 × 4C × V2।
आपके पास क्या रिजल्ट आ गया, सी से सी कैंसिल हो गया, आप लिख सकते हैं 3/8 सी वी स्क्वेयर लिख सकते हैं या सी ई स्क्वेयर लिख सकते हैं। इसको आप ऐसा भी लिख सकते थे 3 C² E² / 8 C। इसको क्यू लिखेंगे तो 3Q² / 8 C आंसर विल बी 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से देखिए कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। इन द कैपेसिटेंस शो द फाइंड द सी इफ द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट इज 1/2 μF। देखिए इसमें अलग अलग जगह पर पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन है, आप उन्हें अलग अलग ब्रांचेस को अलग अलग उसी जगह पर डिफाइन कर लीजिए। आपको पता है ये 2 और 1 क्या है सीरीज में, इनका रिजल्टेंट क्या होगा 1, और ये 1 इस 1 के साथ पैरेलल में है तो इतने का रिजल्ट क्या हो गया 1 और 1 क्या होता है 2। आपके पास ये 2 और 2 क्या है पैरेलल तो इनका रिजल्टेंट क्या हो गया 4। अब देखिए आपको पता है कि ये 2 और ये 2 सीरीज कॉम्बिनेशन में है और सीरीज कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट क्या हो गया 1 μF हो जाएगा। ये 4 और ये 2 क्या है सीरीज में है और इनका सीरीज आपके पास क्या हो गया 4 × 2/6 मतलब 4/3। अब आपके पास फाइनल सर्किट कैसा बना, ये सी, ये टोटल कितना है 4/3 और इस ब्लॉक में कितना आ गया टोटल 1। ये पॉइंट आपके पास क्या है बी, बोथ आर इन पैरेलल ना, तो पैरेलल में कितना हो गया 4/3 + 1 तो आपके पास कितना आ जाएगा 7/3 और ये सी किस में आगे सीरीज में आगे तो सीरीज के लिए इनका रिजल्टेंट 1/2 दिया है तो 1/C = 1/C + 7/3। ये आपके पास 1/2 था तो इसे क्या लिखेंगे 2, इसको आप इधर लाएंगे तो उस केस में आपके पास ये 4/3 + 1 आपके पास क्या आ गया, दोबारा से देख लीजिए इसको, दोबारा देखिए आपके पास ये 2 और 2 किस में थे सीरीज में, इनका रिजल्टेंट क्या हो गया 1, 1 और 1 क्या है पैरेलल तो इनका रिजल्टेंट क्या हो गया 2 μF। ओके, ये 2 और 2 पैरेलल हैं, इनका रिजल्टेंट क्या आ गया आपके पास 4 μF। 2 और 4 किस में है सीरीज में है तो इनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा 2 और 4 का रिजल्टेंट क्या हो गया 2 × 4 सीरीज के लिए 6 तो ये कितना हो गया 4/3। ये 2 और 2 आपस में सीरीज में थे तो इतने का रिजल्ट क्या हो गया आपके पास 1। अब आपके पास ये 1 और 4/3 आपस में क्या है पैरेलल और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट आपके पास क्या होता है नॉर्मली ऐड हो जाएगा। ओके, तो जब नॉर्मली ऐड होगा तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 7/3 तो आपके पास फाइनली रिजल्ट बचा एक तो सी है और दूसरा रिजल्ट कौन सा है आपके पास 7/3। और बोथ आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ये दोनों आपस में क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन में है और इनका रिजल्टेंट सी कितना दिया 1/2 तो 1/CS मतलब 1/2 तो क्या आ गया 2 = 1/C + 3/7 आप लिख सकते हैं 1/C = 2 − 3/7 आप 7 LCM ले लीजिए तो ये कितना आ गया 14 − 3 मतलब 11/7 तो आपके पास सी कितना आ जाएगा 7/11 आ जाएगा। कौन सा आंसर हो गया सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ भाई 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद प्लेट एरिया 1 m² ईच आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 0.1 m। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज 100 N/C, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट, आपके पास ईच प्लेट पर चार्ज पूछ रहा है। देखिए आपको पता है दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है सिग्मा / एप्सिलॉन
और सिग्मा को आप क्या लिखते हैं, क्यू बाय एरिया ए। इसका मतलब क्यू की वैल्यू क्या होगी आपके पास, ई एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगी। ई की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 100। एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, गिवन है क्वेश्चन में 8.85 इंटू 10 डेज टू पावर माइनस 12, और एरिया आपको कितना दिया है 1, तो आपके पास क्या आ गया 8.85 इंटू 10 डेज टू पावर माइनस 10 कूलम। नॉर्मल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। देखिए इन द गिवन सर्किट डायग्राम द करंट I1, I2, I4, I5 दिया है आपसे, I2, I3, I6 पूछा गया है। टोटली किरचॉफ का लॉ लगेगा, फर्स्ट लॉ। ओके, अब देखो एक बात देखिए, यहां से आपसे I4, I5, I6 की बात की है। क्वेश्चन में I5 दिया है, I6 पूछा है, बट बोथ आर सेम। क्लियर दिख रहा है ना, बोथ आर सेम, तो इसका मतलब I5 इक्वल है I6 के, और जो गिवन है आपको कितना 0.4। ओके, इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। अब देखिए आपसे I2 और I3 और पूछा है, गौर से देखिए, आपको I4 दिया है, तो इस पॉइंट के लिए देखिए ये दो करंट आ रही है, इधर जा रही है, तो कमिंग करंट का सम आउटगोइंग के सम के बराबर होता है। तो I4 आपको दे रखा था, ये I2 है सर, और ये I1 है। ओके, तो I2 की वैल्यू क्या होगी, I4 माइनस I1। I4 क्या है 0.8, और I1 क्या है आपके पास माइनस 0.3, तो माइनस माइनस प्लस 0.3 इक्वल टू क्या आ गया 1.1 एम्पियर हो जाएगा। ओके, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होंगे। अब और देखिए आपसे I2 पता लग गया है, सॉरी I2 पता लग गया है आपको, ये I2 है। ओके, I2 है, इसका मतलब आपके पास ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ये दो ऑप्शन नहीं हो सकते। अब देखिए और आपसे पता करना है I3, तो इस जंक्शन के लिए देख लीजिए जाने वाली करंट कौन सी है, I3 और I5। आउटगोइंग I3 प्लस I5 और इक्वल टू इनकमिंग कौन है I4, तो I3 क्या हो गया I4 0.8 माइनस I5 0.4, तो क्या आ गया 0.4, तो आपके पास 1.1 0.4 0.4 आ जाएगा, सेकंड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ भाई इस क्वेश्चन में फिर से देखें, फिर से वही सर्किट का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ओके, वो कह रहा है फॉर गिवन सर्किट आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है ए और बी में। गौर से देखें, R1 सीरीज में है, R1 सीरीज में है, R2 क्या है E2 के सीरीज में। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये आपके पास टोटल रेजिस्टेंस हो गया, ये E1 इक्वल टू आपको कितना गिवन है 2 वोल्ट। ये दोनों सीरीज में थे R1, तो 1 कितना हो गया 2 ओम हो गया। ओके, इस वाली ब्रांच के लिए देखें, E2 अकेला रेजिस्टेंस R2 था कितना है 2, और E2 कितना है 4 वोल्ट। तीसरी ब्रांच में देख लीजिए, फिर से दोनों सीरीज में है R1, तो 1+1 क्या हो गया 2, और E3 कितना है 4। अब आपको A और B में पोटेंशियल पूछा है, तो A और B में डिफरेंस क्या होगा, चाहे यहां 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 सब सेम है, और ये तीनों क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैं इक्वालेंट को क्या लिखूंगा, VA माइनस VBE इक्वालेंट के बराबर होगा। क्या फॉर्मूला था अभी क्वेश्चन किया था, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3 ओवर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो E1 की ब्रांच में रेजिस्टेंस कितना है 2, तो क्या आ गया 2/2 प्लस यहां देखिए 4/2 प्लस यहां देखिए कितना है 4/2 ओवर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/ यहां से क्या रिजल्ट आया 1+2 प्लस 1/3/2। तो ये कितना हो गया आपके पास 1+1 4 इंटू 2 कितना आ गया 8, सॉरी ये 2 है, तो 2 4 प्लस 1
तो कितना आ गया 5, तो 10 बाय 3 आ जाएगा। 10 बाय 3 का मतलब क्या हो गया, 3.3 वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23 देखिए, फिर से कलर कोड का क्वेश्चन आ गया है, वही जो अभी आपने किया था। 200 रजिस्टर हैज ए सर्टेन कलर, देखो तीसरा क्वेश्चन आ रहा है कलर कोड का, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। इस टॉपिक से क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है और बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। पहले दो कलर सिग्निफिकेंट फिगर को, थर्ड कलर उसके मल्टीपल इंटीजर को, और फोर्थ कलर उसके टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करता है। कलर को याद करने के लिए सिंपल सी सीरीज है, एक आप वो कंसेप्ट भी याद रखते हैं, बीबी रॉय ए ग्रेट ब्रिटेन हैज ए वेरी गुड वाइफ। ओके, बीबी रॉय मतलब ROY, ए ग्रेट ब्रिटेन, जी ग्रेट ब्रिटेन बी हैज ए वेरी गुड वाइफ। अब देखो बी 3 बार आ गया, जी 2 बार आ गया, क्या करेंगे? जो डार्क कलर है उनको पहले लीजिए और लाइट कलर को बाद में। देखिए बी मतलब ब्लैक, ब्लैक सबसे डार्क 0, उसके बाद ब्राउन, रेड का 2, ऑरेंज 3, येलो, जी 2 आगे, एक ग्रीन और एक ग्रे, तो ग्रीन पहले आएगा, ब्लू, वायलेट, ग्रे और व्हाइट कलर, सिंपल। ओके, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 200 ओम रेजिस्टर हैज ए सर्टेन कलर कोड, इफ वन रिप्लेस द रेड कलर बाय ग्रीन इन द कोड द न्यू रेजिस्टेंस विल बी। देखो 200 ओम, 200 का मतलब 200, इसका मतलब क्या है, रेड ब्लैक, ब्लैक है, ओके, ब्लैक ब्राउन सॉरी, क्योंकि देखिए इसको आप ऐसा लिख सकते हैं ना, 200 को लिख सकते हैं, आप 200 को लिख सकते हैं 20 × 10^1। ओके, तो 2 किसका आया था, रेड का, ओके, 2 किसका था, रेड का, और 0 किसका था, ब्लैक का, और 10^1 किसके लिए है, ब्राउन के लिए। अब उसने पूछा है आपको क्या, कि रेड कलर इज रिप्लेस बाय ग्रीन। ओके, जब आप ग्रीन से रिप्लेस कर दोगे, कहने का मतलब रेड रिप्लेस बाय ग्रीन, इस रेड को रिप्लेस कर देंगे ग्रीन से, तो 2 की जगह क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ओके, बाकी सेम रहेंगे, तो आपके पास नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 500 ओम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24 देखिए, 24 में देखिए क्या दिया, वोल्टेज रेटिंग ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 500 वोल्ट, इट्स डाइलेक्ट्रिक कैन विदस्टैंड ए मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10^6 वोल्ट पर मीटर, द प्लेट एरिया इज 10^-4 मीटर स्क्वायर, व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इफ द कैपेसिटेंस इज 15 pF। ओके, आपको सब वैल्यू दी है, आपसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू पूछ रहा है। ओके, आपको इसके पैरेलल प्लेट में वोल्टेज रेटिंग दे रखी है, इसका मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। अब किसी भी प्लेट में मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E=σ/ε0 के। ओके, अब इसने क्या है, आपको सिग्मा की वैल्यू नहीं दी, लेकिन आपको पोटेंशियल और कैपेसिटेंस दे रखा है, आप इसको Q/ε0 A लिख सकते हैं। क्यू को क्या लिखते हैं, हमें पता है सी वी होता है। ओके, सी गिवन है, वी गिवन है, तो आपके पास E=CV/ε0 A आ जाएगा, तो आपके पास K की वैल्यू क्या आ गई, CV/ε0 AE आ जाएगा। ओके, इन सब वैल्यूज को आप पुट करेंगे, C की वैल्यू क्या दी है क्वेश्चन में, 15 pF, मतलब 10^-12। वोल्टेज कितनी दी है, 500 ओवर ε0 की वैल्यू कितनी दी है, 8.86 × 10^-12। एरिया कितना दिया है प्लेट्स का, 10^-4 मीटर स्क्वायर दिया है, और मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिया है क्वेश्चन में, 10^6 दिया है। देखिए -12 से -12
ये आपके पास टू बची पावर, पावर से पावर कैंसिल, आपके पास फाइनली रिजल्ट क्या बच गया, 75/8.86। 8 होता तो अप्रोक्सीमेट 9 point something आ जाता, 8.86 है तो अप्रोक्सीमेट क्या आ जाएगा, 8.5 आ जाएगा। ओके, रिजल्ट क्या होगा, फोर्थ होगा। नेक्स्ट देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज 1 microfarad कैपेसिटेंस, वन ऑफ इट्स टू प्लेट्स इज गिवन +2 एंड चार्ज एंड अनदर प्लेट इज 4 microcoulomb चार्ज, द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द कैपेसिटर। देखिए, दो तरह के कंसेप्ट को जोड़ दिया गया है। आपने कंसेप्ट पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ प्लेट्स आर अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर, देन एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉम्बिनेशन द चार्ज रिमेन सेम। ओके, मान लो आपके पास 2 प्लेटें हैं, 3 प्लेट हैं, मान लो इन पर चार्ज Q1, Q2, Q3 है, देन इनका रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो आउटर प्लेट पर चार्ज ऑलवेज क्या रहता है, सेम रहता है एंड इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द टोटल चार्ज। ये टोटल कितना है, Q1 + Q2 + Q3, तो आउटर सरफेस पर ऑलवेज हाफ होगा, मतलब Q1 + Q2 + Q3/2 होगा। एक कंसेप्ट तो ये है। और इन द केस ऑफ कैपेसिटर चार्ज इज टेकन विच इज इनर साइड ऑफ द प्लेट्स, कौन सा चार्ज लेते हैं, जो उसके अंदर की साइड में होता है, ये दूसरा कंसेप्ट है। अब देखिए, आपके पास यहां 2 प्लेट दी हैं, एक पर चार्ज +4 है और दूसरे पर चार्ज +2 है, तो आउटर प्लेट्स पर चार्ज क्या होगा, इनका हाफ होगा, टोटल कितना है 6 का हाफ क्या हो गया, इधर भी +3 होगा और इधर भी क्या होगा। अब इनर की बात कर ले, कैपेसिटर के अंदर चार्ज क्या होता है, सेम होता है और अपोजिट होता है नेचर का, देखो ऐसा है या नहीं। इधर +3, 4 में से +3 इधर गया तो यहां क्या बचा, +1, ये +2 था, इधर +3 आ गया तो इसका मतलब इनर कितना है, -1। इसका मतलब इस कैपेसिटर में जो चार्ज है वो कौन सा है, जो क्यू लेते हैं, वो ये रहा +1 -1। इसका मतलब कैपेसिटर पर चार्ज की वैल्यू क्या है, 1 क्या है, microcoulomb, और कैपेसिटेंस आपको दे रखा है कितना है, 1 microfarad। पोटेंशियल क्या होगा, Q/C, तो 1/1 आपके पास क्या आ जाएगा, 1 volt आ जाएगा। क्लियर, तो रिजल्ट विल बी फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। आपको गिवन है क्वेश्चन में, इन द फिगर शो व्हाट इज द करंट इट ड्रॉ फ्रॉम द बैटरी, यू आर गिवन। हमें इसमें बैटरी से निकलने वाली करंट पता करनी, सिंपल क्वेश्चन है जी, क्या आपको इक्वालेंट रेजिस्टेंस पता करना है। देखो, ऑलवेज सर्किट को आउटर साइड से पकड़िए, आउटर में देखिए 3 resistors आर इन सीरीज, विच वन, R3, R4 एंड R5। R3 कितना है, 20, R4 5 एंड R5 25, तो ये तीनों सीरीज में है, तो रिजल्टेंट क्या हो गया, 25 + 5 = 30 + 20 = 50, ये आपके पास कितना है, 50 ओम है। R2 एंड 50 ओम आर पैरेलल, R2 कितना है, 10 एंड 50 आर पैरेलल, पैरेलल में क्या हो गया, 10 × 50/60, तो 25/3 ओम हो गया। अब देखो, ये इतना क्या है, 25/3 ओम, 25/3 R1 एंड R6 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो R इक्वालेंट क्या आ गया आपके पास सर्किट का, R1 क्या है, 15 प्लस 25/3 प्लस R6 कितना है, 30, एलसीएम ले लीजिए 3, कितना आ गया, 45 + 25 + 90, कितना हो गया ये, 70, मतलब 160/3 आ जाए। ओके, और E की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है, 15 volt, तो करंट क्या हो गया, E/R इक्वल कितना था, 15/160/3। आपके पास इसे आप ऊपर लाएंगे, 15 × 3/160, 5 से कैंसिल कर दिए,
फाइव इंटू थ्री फिफ्टीन, यहाँ कितना आया आपके पास 32, तो कितना आ गया 9/32 बोले तो सेकेंड आंसर। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन को ऑलवेज आउटर साइड से पकड़िए, जो सीरीज में है उनका रिजल्ट दूसरे के पैरेलल के साथ हो गया, फिर उनका रिजल्ट तीनों के आपस में सीरीज में हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन, ए सेल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस आर ड्राइव्स करंट थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, द पावर डिलीवर्ड बाय द सेल टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमम। ओके, देखिए आपके पास कोई सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, जिसे आपने किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से जोड़ा है, तो करंट क्या होगी, करंट क्या होती है, टोटल पोटेंशियल बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना है, ई बाय आर प्लस आर, तो पावर क्या होगी जब यहां से करंट आई जाएगा। अब यहां बड़ा कंफ्यूजन है जी, पावर हम क्या लें, पावर आई स्क्वायर आर लें या पावर वी स्क्वायर बाय आर लें। ओके, सिंपल सा कंसेप्ट तो ये रहता है कि जब आप सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं तो अलग अलग सेगमेंट के अंदर करंट सेम होने के कारण, अलग अलग रेजिस्टेंस पर करंट सेम होने के कारण आई स्क्वायर आर ले लेते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वी स्क्वायर बाय आर ले लेते हैं, लेकिन आप दोनों में से कोई भी लो रिजल्ट होगा, निकाल सकते हो, लेकिन आपको वहां एक्चुअल वैल्यू पता होनी चाहिए। अब यहाँ आई तो आसानी से निकल जाएगा, वी कैसे निकलेगा, जितना वी यहां होगा अगर वही वी पुट करोगे तो वी स्क्वायर बाय आर से निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो जाए, तो कोशिश करो इजी कैलकुलेशन की, तो सीरीज के केस में आई स्क्वायर आर लेने की कोशिश करें, तो पी इक्वल टू क्या हो गया, आई स्क्वायर मतलब ई स्क्वायर आर बाय आर प्लस आर। अब वो कह रहा है पावर मैक्सिमम कब होगी, आर पर डिपेंड कर रही है, हालांकि ये याद रखने वाला कंसेप्ट है, तो आप लिख सकते हैं डीपी बाय डीआर इक्वल टू जीरो, क्योंकि व्हेन पावर मैक्सिमम देन द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू आर विल बी जीरो बिकॉज पावर वेरी विद आर। ओके, कैसे वेरी कर रही है, कुछ ऐसा ग्राफ हो जाएगा इसका, ये आर है आपके पास, ये आपके पास पावर है, तो आपको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल निकालना है जो जीरो होगा, तो देखो ई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, यू बाई वी से करेंगे, वी को रोक देते हैं, यू का करेंगे, यू क्या है आर, आर का वन, माइनस आर को रोक दिया, इसका करेंगे क्या हुआ टू इंटू आर प्लस आर इक्वल टू जीरो, ये कॉमन आ जाएगा, ई कॉमन आ जाएगा, लास्ट में क्या बचेगा आपके पास आर प्लस आर माइनस टू आर इक्वल टू जीरो, तो रिजल्ट क्या आ गया आर इक्वल टू आर, इसका मतलब इस पॉइंट पर आर जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होगा देन पावर विल बी मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर, ए कैपेसिटर विद कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैरड इज चार्ज टू 5 माइक्रोकूलम, इफ द प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट टू रिड्यूस द कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड हाउ मच वर्क इज डन, आपके पास वर्क क्या होगा, आप उसे एक्सटर्नल फोर्स लगाकर ऐसा कर रहे हैं तो वर्क डन क्या होगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, आपने चार्ज कर दिया है, बैटरी नहीं कनेक्टेड है, चार्ज कांस्टेंट रहेगा, मैंने आपको बताया था व्हेन सोर्स इज डिस्कनेक्टेड देन द चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर रिमेन सेम बट पोटेंशियल विल बी चेंज, तो उस केस में यू की वैल्यू चार्ज की टर्म में क्या होगी, क्यू स्क्वायर बाय टू सी, तो पहले क्या था सी फाइनल माइनस सी अनिश, वैल्यू रख देंगे, आपके पास कितना है 5 माइक्रो जूल है, तो इसका माइक्रो कूलम है सॉरी, तो इसका रिजल्ट क्या हो गया 10^5 × 10^-6 का स्क्वायर क्या हो गया -12/2, कैपेसिटेंस कितना है 1/2 × 10^-6 और -1/5 × 10^-6, -6 आप कॉमन ले लेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या होगा 25 × 10^-12/2 × 10^-6 1/2 − 1/5, ये आपके पास कितना आ गया 25/2 × 10^-6 × 3/10 आ जाएगा। ओके,
तो आपके पास ये 3.75 into 10 raise to power minus 6 रिजल्ट आ जाएगा. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. 29. ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज बैंड टू फॉर्म ऑफ ए स्क्वेयर ए बी सी डी. शो इन द फिगर द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ई एंड सी. देखो ई और सी के ई इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी. देखो आर रेजिस्टेंस था, स्क्वेयर में कन्वर्ट किया तो ये भी आर बाई फोर, ये भी R by 4 और ये भी R by 4. या फिर इसका हाफ कर दिया तो ये R by 8, ये R by E और C की बात कर रहा है. इसका मतलब ये तीनों सीरीज में है तो क्या हो गया R by 4, R by 4, R by 4 और R by 8. तो इनका सम क्या हो गया 3R by 4 plus R by 8. ओके तो आपके पास क्या हो गया 3R by 4 plus R by 8. इसको 6R by 8 लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा 7R by 8. 7R by 8 और R by 8 पैरेलल है तो आपके पास इक्वालेंट क्या आ गया 1 by R इक्वालेंट 8 by 7R plus 8 by R. आपके पास LCM आ जाएगा 7R तो आपके पास क्या आया 1 plus 7 तो आपके पास कितना आ जाएगा 7R by 64 रिजल्ट हो जाएगा. क्लियर. आंसर विल बी 4th. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. 30 नंबर क्वेश्चन देखिए. डिटरमाइन द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इन द फ्लोइंग. आपको सर्किट में चार्ज पूछा. देखो जब कुछ नहीं दिया होता सर्किट के बारे में इसका मतलब वो इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात कर रहा है, उसकी स्टेडी स्टेट की बात कर रहा है. स्टेडी स्टेट का मतलब जब कैपेसिटर के अंदर से कोई करंट का फ्लो नहीं हो. स्टेडी स्टेट के अंदर आरसी सर्किट के अंदर इन द केस ऑफ स्टेडी स्टेट देयर इज नो करंट पासिंग थ्रू द कैपेसिटर, द टोटल करंट पासिंग थ्रू द रेजिस्टर्स. ओके तो अब देखिए आपको इस पर चार्ज पता करना है, उसके लिए ये करंट पता होनी जरूरी है. क्योंकि अगर ये करंट पता लग गई तो जितना पोटेंशियल यहां है उतना यहां होगा. तो करंट कैसे पता लगाएंगे, देखिए इस कैपेसिटर वाले सर्किट को भूल जाइए, इसका कोई काम नहीं है अभी. तो ये 10 और 2 सीरीज में है तो इनका रिजल्टेंट क्या हो गया 12. 12 और 4 क्या हो गए पैरेलल, तो इनका रिजल्ट क्या हो गया 4 इंटू 12 बाई 16 इक्वल टू 3 ओम. अब 3 और 6 आपस में क्या है सीरीज में. अब ऐसा सर्किट बना है, गौर से देखिए ये 6 था ये 4 है और ये 2 था ये 10 है. ओके आपको क्या पता लगा, आपको पता लगा यहां पर कि 12 और 4 का पैरेलल 3 होता है, 6 और 3 आपस में सीरीज में होगा तो इस बैटरी से निकलने वाली टोटल करंट क्या हो जाएगी I इक्वल टू, क्योंकि 6 और 3 का रिजल्टेंट 9 है तो 72 बाई 9 इक्वल टू 8 एम्पियर है. क्लियर. अब या तो करंट का डिवीजन कर लो या पोटेंशियल का डिवीजन कर लीजिए. अब अगर 8 एम्पियर करंट जा रहा है तो यहां पर 48 वोल्ट होगा. इस 72 में से 48 यहां कंज्यूम हो गया तो यहां पर कितना होगा, यहां पर कितना होगा. अगर 48 यहां कंज्यूम हो गया है तो उस केस में इस पर कितना होगा 72 माइनस 48 तो टोटल कितना हो गया 24 वोल्ट. यहां भी 24 है और इन दोनों पर भी टोटल कितना है 24 वोल्ट. और अगर ये 24 है, टोटल रेजिस्टेंस 12 है तो इसका मतलब इसमें जाने वाली करंट आई कितना हो गया 24 बाय 12 इक्वल टू 2 एम्पियर हो जाएगा. अब क्वेश्चन में देखिए ये करंट कितना है आपके पास 2 एम्पियर. करंट 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस 10, तो इसका मतलब कैपेसिटर पर पोटेंशियल उतना ही होगा जितना रेजिस्टर पर है. तो आपके पास चार्ज पूछा गया है तो Q by C इक्वल टू आई आर मतलब 20 वोल्ट हो जाएगा. तो Q की वैल्यू क्या होगी 20 C. C कितना क्वेश्चन में गिवन है आपको 10 दिया है तो 20 इंटू 10 मतलब 200 माइक्रो कूलम आपके पास आ जाएगा. रिजल्ट विल बी फर्स्ट आंसर. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए.
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 31, फिर से एक कैपेसिटर का क्वेश्चन है। ओके, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू एयर फिल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी एंड एन सी इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ वोल्टेज वी। व्हेन द कैपेसिटर्स आर फुली चार्ज द बैटरी इज रिमूव्ड एंड आफ्टर दैट द डाइलेक्ट्रिक मटीरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के is placed between the two plates, the first capacitor. The new capacitance, the new potential difference of the system. देखो, इस क्वेश्चन में उसने दो कैपेसिटर को पैरेलल जोड़ा है। एक की कैपेसिटेंस C है, दूसरे की कैपेसिटेंस NC। इनको जब पैरेलल जोड़ा है किसी बैटरी के द्वारा, उस बैटरी का पोटेंशियल V है, तो डेफिनेटली इन पर भी क्या होगा, V हो जाएगा। ओके, अब क्या था ये दो कैपेसिटर, अब क्वेश्चन अलग आ गया। क्या आया, ये आपके पास एक कैपेसिटर है जिस पर चार्ज सीवी है और कैपेसिटेंस सी था, ये दूसरा कैपेसिटर है जिस पर चार्ज क्या है, एन सीवी है और कैपेसिटेंस एन सी है। मेरी बात क्लियर? अब उसने कहा है कि फर्स्ट कैपेसिटर के प्लेट्स में ये ऐसा है, मान लो नहीं जुड़ा हुआ, एक फर्स्ट कैपेसिटर की प्लेट में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया है आपने, जिससे क्या है, इसकी कैपेसिटेंस केसी हो गई। अब उसने बोला है कि इनको अटैच कर दिया, और अटैच करने के बाद क्या होगा, देखो अब ये एक कैपेसिटर था, ये दूसरा कैपेसिटर है, इन पर पोटेंशियल कॉमन आ जाएगा, इस पर भी वी नॉट होगा, इस पर भी वी नॉट, इसकी कैपेसिटेंस NC था, इसका KC था। इनिशियली चार्ज क्या होगा इनकी इन प्लेट्स पर, ये पॉजिटिव थी, ये भी पॉजिटिव है, और फाइनल चार्ज क्या होगा इन्हीं प्लेट्स पर, चार्ज का कंजर्वेशन होता है, चार्ज सेम रहता है। यहां से देखिए चार्ज क्या होगा, इस पर CV था, इस पर NCV था, तो Q इनिशियल इक्वल टू Q फाइनल, तो क्या हो गया, CV प्लस NCV इज इक्वल टू फाइनल, देखें KCV नॉट प्लस NCV नॉट। आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, पोटेंशियल पूछा गया है, CC कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आया, यहां से VN प्लस 1 इक्वल टू K प्लस N V नॉट, तो V नॉट की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, V नॉट की वैल्यू आ जाएगी V नॉट इक्वल टू N प्लस 1 बाय N प्लस K इंटू V आ जाएगी। ओके, तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर, एक अच्छा क्वेश्चन था, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, देखिए, इन अ कंडक्टर इफ द नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम n इक्वल टू 8.5 इंटू 10^28 पर मीटर क्यूब एंड द मीन फ्री टाइम टो इक्वल टू 25 फेमटो सेकेंड इट्स अप्रॉक्सीमेट रेजिस्टेंस इज, देखिए फेमटोमीटर का, फेमटो का मतलब क्या होता है, 10^-15 होता है। अब देखिए रेजिस्टिविटी पूछी है, फिर से मैं आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर एक बार लेकर जाऊंगा। ओके, मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले क्वेश्चन पर आपको लेकर जाऊंगा एक बार। देखिए क्या है, एक बार कंसेप्ट को समझ लीजिए, हमने पढ़ा था वीडी इक्वल टू ई टो बाय एम पढ़ा था, हमने पढ़ा था आई इक्वल टू एनई ए वीडी पढ़ा था, I क्या है करंट, मैं VD की वैल्यू पुट कर देता हूं एन ई स्क्वेयर ए टो बाय एम ई इंटू ई लिख देंगे। E क्या है, ये कोई कंडक्टर था, इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया A था, इसकी लेंथ L थी, और इसके दोनों एंड पर आपने एक V वोल्ट की बैटरी जोड़ी जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E डेवलप हुआ। इस E को आप क्या लिख सकते हैं, V बाय L लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, तो एन ई स्क्वेयर ए टो वी बाय एम ई।
आपको पता है कि I इक्वल टू क्या होता है, V बाय R, R क्या है, रेजिस्टेंस, तो इसका मतलब यहां रेजिस्टेंस आपके पास क्या आ जाएगा, एम ई एल बाय एन ई स्क्वायर ए टो होगा, याद रख लेना इसको, क्लियर। अब आपको रेजिस्टिविटी पूछ सकता है, तो R इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाय ए, तो L और A को बोल जाओ, बाकी वैल्यू किसकी है, रेजिस्टिविटी की, क्या है, एम ई एन ई स्क्वायर टो, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, ओके। एन रो इक्वल टू एम ई बाय एन ई स्क्वायर बाय एन ई स्क्वायर टो। सिग्मा कंडक्टिविटी क्या होता है, वन बाय रो, लिख सकते हैं एन ई स्क्वायर टो बाय एम, क्या है, कंडक्टिविटी, मेरी बात क्लियर। और यहां से आप ये भी निकाल सकते हो कि J इक्वल टू सिग्मा E लिख सकते हैं, कैसे, J क्या है, करंट बाय एरिया, देखिए J इक्वल टू करंट बाय एरिया, तो करंट बाय एरिया क्या हो गया, एन ई वी डी, और वी डी क्या है, एन ई टो बाय एम ई इन टू ई, तो क्या हो गया, सॉरी ई टो बाय, ये गलत, वी डी की वैल्यू क्या है आपके पास, VD की वैल्यू है E टो बाय ME, तो आपके पास क्या मिल गया यहां से, एन ई स्क्वेयर टो बाय ME इंटू E, तो इसको क्या लिखते हैं, सिग्मा लिखते हैं, ओके। तो आपके पास इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, रो, रो क्या होता है आपके पास, ME बाय एन ई स्क्वेयर टो, ओके, रो क्या होता है, ME बाय एन ई स्क्वेयर, तो ये आपके पास रेजिस्टिविटी है, ओके। अब देखिए क्वेश्चन पर आए, आपको टो दिया है, ई पता है, एम ई पता है, एन पता है, रो निकालना है, तो सिंपल फॉर्मूला रख लीजिए, एम ई कितना है, 9.1 × 10⁻³⁻¹, एन क्या है आपके पास, 8.5 × 10⁻²⁸ पर मीटर क्यूब होना चाहिए, ओके। तो ई क्या है आपके पास, 1.6 × 10⁻¹⁹, तो क्या है आपके पास, तो दिया है आपको फेमटो सेकंड दिया है, 25 × 10⁻¹⁵ है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, इसका रिजल्ट आ जाएगा, इसका रिजल्ट आएगा 10⁻⁸ ओम मीटर के अप्रोक्सीमेट आएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास 33 नंबर क्वेश्चन, अब 33 क्वेश्चन देखिए, ए मेटल वायर ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम इज एलोगेटेड टू मेक ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ डबल इट्स प्रीवियस लेंथ। देखिए जब भी आप किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं, व्हेन ए वायर इज स्ट्रेच देन इट्स रेजिस्टेंस बिकम द स्क्वायर ऑफ द लेंथ, ओके। आपने लेंथ को डबल किया तो रेजिस्टेंस पहले से 4 टाइम्स हो जाएगा, ओके okay? तो इसका मतलब वायर का अब रेजिस्टेंस 12 ओम हो गया है। अब वो कहता है दिस न्यू वायर इज नाउ बेंट इन एंड द एंड्स जॉइन टू मेक ए सर्कल, इफ द टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल मेक्स एन एंगल 60° एट द सेंटर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखिए ये है, दो पॉइंट लेने हैं आपको, ए और बी, ऐसे दो पॉइंट जिनके बीच का एंगल 60°, तो ये रिमेनिंग एंगल कितना हो गया, वायर है, वायर की लेंथ क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल होगी। अब इस एंगल की टर्म में उसकी लेंथ का रेशियो है, इसका मतलब उसकी लेंथ का रेशियो क्या हो गया, 5:1 हो गया, इसका मतलब एक रेशियो की वैल्यू क्या होगी, 1/6 टाइम्स होगी, इसका मतलब ये 12 है जो, ये तो 2 ओम होगा, ये रेजिस्टेंस तो क्या हुआ, 2 ओम, और ये कितना हो गया, 10 ओम हो गया, इक्वली डिवाइड हो गया, रेशियो देख लो, 10/2 क्या हो गया, 5। अब ये बोथ आर पैरेलल, तो पैरेलल का क्या हो गया, 2 × 10/12, तो आपके पास कितना हो गया, ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, 5/3 ओम आ जाएगा, आंसर विल बी 4। बहुत इजी क्वेश्चन था, ओके। नेक्स्ट देखिए 34 क्या कहता है, देखो फिर से एक अच्छा क्वेश्चन है, इन द गिवन सर्किट एन आइडियल वोल्टमीटर कनेक्टेड अक्रॉस द 10 ओम reads 2 volt, the resistance, internal resistance R of each cell is,
आपको इंटरनल रेजिस्टेंस पता करना है। देखो इसका वोल्टेज कितना है, 2 वोल्ट है, तो इसका भी क्या होगा, 2 वोल्ट। इसका मतलब इधर से जो करंट जा रही है I1 और इधर से जा रही है I2, ये टोटल करंट I हो गया ना, तो आप I क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 लिख सकते हैं, क्या हो गया 2/15 प्लस 2/10 मतलब 1/5, 2/15 और प्लस 2/10 मतलब 1/5 और 1/5 को आप लिख सकते हैं 3/15, तो ये टोटल कितना हो गया 5/15। इसका मतलब टोटल करंट क्या है, 1/3 एम्पीयर है। अब आपको करंट पता लग गई, अब देखो ये 10 और 15 क्या है, पैरेलल, तो इनका रिजल्टेंट क्या हो गया, 10 × 15/25, ये 3 से 5 और ये 2, इसका मतलब 6 ओम। तो 6 और 2 सीरीज में है, इसका मतलब 8 ओम हो गया। ये दो इंटरनल रेजिस्टेंस है, दो सेल हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं 1.5 के, RR इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सर्किट का R इक्वलेंट क्या हो गया, 6 + 2 + 2R मतलब 8 + 2R। और R इक्वलेंट को लिखेंगे क्या, टोटल वोल्टेज बाय टोटल करंट। टोटल वोल्टेज कितनी है, 1.5 कितना हो गया 3, बाय टोटल करंट कितनी है 1/I 1/3, तो कितना हो गया 9। तो आप लिख सकते हैं 2R = 1, देन R = 0.5 ओम आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ओके, तो फर्स्ट इसका रिजल्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 35। ए करंट ऑफ 5 एम्पीयर पासेस थ्रू ए कॉपर कंडक्टर ऑफ रेजिस्टिविटी 1.7 × 10⁻¹⁸ ओम मीटर। द रेडियस ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज 5 मिलीमीटर। फाइंड द मोबिलिटी ऑफ चार्जेस इफ देयर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज 1.1 × 10⁻³। आपको मोबिलिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ओके, मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोबिलिटी की बात कर लें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। आप इसे लिख सकते हैं VD = μE। तो आप म्यू को क्या लिखोगे, μ = VD/E लिखोगे। और VD को आप क्या लिखते हैं, VD को अभी आप क्या लिखोगे, E tau/mE। E से E कैंसिल, तो आपको क्वेश्चन में उसने ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी थी, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं दिया, मेरी बात क्लियर। आपको उसने रेजिस्टिविटी दे दी और उसका रेजिस्टेंस दे दिया, लेकिन आपको चाहिए क्या था, टो चाहिए था। ओके, आपको उसने करंट दिया है, रेजिस्टिविटी दी है और आपको उसने इसका सॉरी रेडियस दिया है, और उससे आपने म्यू पता करना है। इसका मतलब आपको म्यू को कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्लियर। इसका मतलब आप I = क्या लिखते हैं, NEAVD लिखते हैं। ओके, I = क्या लिखते हैं, NEAVD लिखते हैं, क्लियर। अब देखिए, आपको रेजिस्टिविटी दी है जिसे आप क्या लिखते हैं, ρ = अभी पढ़ा था ME/NE² टो लिखते हैं। तो आप इस रेजिस्टिविटी से इसका टो डिफाइन कर सकते हैं, आपको करंट की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं। आप यहां से देख सकते हैं ρ = ME/NE² आप इसको यहां पुट करोगे, यहां तो आपके पास क्या आएगा, μ = E/ME × टो की वैल्यू क्या आ गई, ME/NE²। ई से ई कैंसिल और एम से एम कैंसिल, आपके पास क्या आ गया, 1/NE ρ, लेकिन आपको एन नहीं पता। एन के लिए आप इसका यूज करेंगे, तो यहां से जब आप यूज करेंगे, मैं इसको साफ कर देता हूं,
आपके पास क्या आ गया, एन इस से यूज करेंगे तो आपके पास म्यू इक्वल टू क्या आ गया, वन बाय ई रो इनटू आई इक्वल टू क्या होता है, एन ई ए वी डी, तो आप लिखोगे वन बाय आई बाय आई इक्वल टू एन ई ए वी डी होता है, तो एन इक्वल टू क्या हो गया, आई बाय ई ए वी डी हो जाएगा। ओके, इसको आप जब पुट करते हैं तो वन बाय ई रो आई इंटू ई ए वी डी आ जाएगा, ई से ई फिर से कैंसिल हो गया, आपके पास म्यू की वैल्यू आ जाएगी ए वी डी बाय रो आई आ जाएगी। ए को लिख सकते हैं पाई आर स्क्वेयर, आर क्या है आपके पास 5 मिलीमीटर, तो मिलीमीटर स्क्वेयर से आप क्या निकाल सकते हैं, मिलीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो ये आपके पास हो गया 25 × 10⁻⁶। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको दी है 1.1, तो आपके पास 1.1 × 10⁻³ कितना हो गया, -3 ओवर, आपके पास रो है, रो कितना है 1.7 × 10⁻⁸, और इलेक्ट्रिक करंट आपको दिया है कितना 5, ये कैंसिल हो गया 5 से 5, ये 3.14, 1.1 × 5/1.7, तो ये आपके पास कैंसिल होगा इससे, तो 10⁻⁻¹ बच जाएगा। ओके, आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना तो क्या रिजल्ट आएगा देख लीजिए, म्यू इक्वल टू 3.14 × 5 × 11/17 और इंटू 10, ये कैंसिल हो गया 2 से, ये 10⁻⁻¹ को मैं नीचे ले गया, ये कितना हो गया 1.57, तो 1.57 × 11 कितना हो गया आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 17.27/17, तो 1 point something आ जाएगा, तो 1.0 के आसपास रिजल्ट आ गया, तो फोर्थ आंसर हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, बस कैलकुलेशन बेस था और कुछ नहीं था इसमें। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन एन एक्सपेरिमेंट द रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल इज प्लॉटेड एज ए फंक्शन टेम्परेचर एज शो, इट इज ए स्ट्रेट लाइन, वन मे कंक्लूड दैट, इनमें से कौन सा उसके साथ मैच करेगा। सिंपल, आप लॉग लेकर देख लीजिए, यहां लॉग लेंगे तो क्या आएगा आपके पास, लॉग ई आर टी, पहले आप इसकी इक्वेशन लिख लीजिए, क्या होगी, लॉग ई आर टी या लॉग ई आर इक्वल टू माइनस एम एक्स, कोई भी कॉन्स्टेंट होगा, माइनस एम एक्स, एक्स क्या 1/t, तो माइनस ए बाय टी स्क्वायर प्लस बी, कुछ ऐसा ग्राफ आना चाहिए। ओके, तो इसका जब आप लॉग लेते हैं, लॉग ई आर इक्वल टू ये लॉग ई आर नॉट हो जाएगा प्लस क्या आया, टी स्क्वायर बाय टी नॉट स्क्वायर प्लस लॉग ई आर, इसमें लेंगे तो इसको अलग अलग कर देंगे, लॉग ए और लॉग बी, बी क्या होगा, लॉग ई की पावर टी स्क्वायर, तो ई ई वन होता है, टी स्क्वायर बाय टी नॉट पहले आ जाएगा, पॉसिबल नहीं है, गलत। यहां देखे, यहां से क्या आ गया, लॉग ई आर इक्वल टू वही लॉग ई आर नॉट और माइनस टी नॉट स्क्वायर बाय टी स्क्वायर, तो ए की जगह मैन टी नॉट स्क्वायर आ गया और माइनस की जगह माइनस बी, ये पॉसिबल है। ऐसे इसका देखोगे, इसका भी नहीं पॉसिबल, क्योंकि माइनस तो आएगा लेकिन टी स्क्वायर अबव आ गया, टी स्क्वायर बिलो होना चाहिए, ये भी पॉसिबल नहीं है, इसका आंसर क्या हो गया, सेकंड हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 37 नंबर क्वेश्चन, फिगर शो द चार्ज क्यू वर्सेज वोल्टेज वी ग्राफ फॉर ए सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गिवन कैपेसिटर्स, द कैपेसिटेंस आर, ओके, आपके पास इक्वल पोटेंशियल पर चार्ज की बात कर रहा है, आप कह सकते हैं ना V इक्वल टू क्या लिखते हैं, Q बाय C ना, V बाय, जब कॉमन पोटेंशियल होगा उस केस में Q1/C1 इक्वल टू क्या होगा, Q2 बाय, तो उस केस में आपके पास क्या हो गया, C1/C2 इक्वल टू क्या होगा, Q1 बाय, आपको पता है कि सेम पोटेंशियल पर जब चार्ज की बात करेंगे तो Q इक्वल टू क्या था, CV था, Q इक्वल टू
सी वी, जिसका सी ज्यादा होगा उसका चार्ज भी ज्यादा होगा। तो चार्ज ज्यादा किसका है, ए वाले का, और सी ज्यादा किसका होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन का सी ज्यादा होगा, सीरीज का कम होगा। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं यहां से सी पी बाय सी एस इक्वल टू क्या होगा, ज्यादा किसका है, पैरेलल वाले का, कितना है 500/80, इसका मतलब 25/4 आ जाए। ये किसका रेशियो आया है, पैरेलल टू सीरीज का रेशियो आया है। ओके, अब आपको इसका रिजल्ट निकालना है। पैरेलल क्या होगा, C1+C2 बाय सीरीज क्या होगा, C1+C2 बाय C1+C2 इक्वल टू 25/4। इसको ऊपर लेकर जाएंगे, क्या आया आपके पास, C1+C2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 25/4 C1+C2। तो इसका मतलब C1+C2 क्या हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा। इसका मतलब आपके पास 5/2 रूट C1+C2 होगा। ओके, अब देखें, आपको इनकी अलग अलग वैल्यू पता करनी है। आपके पास C1+C2 आ गया है, 5/2 C1+C2 आ गया है। ओके, मैं यहां से C1-C2 को क्या लिख सकता हूं, C1+C2 का स्क्वायर -4C1C2 का रूट लिख सकता हूं। क्यों भाई, क्योंकि इनका प्लस खोलोगे तो C1² + C2² + 2C1C2 - 4C1C2 कैंसिल होकर -2C1C2 आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या है आपके पास, इसकी वैल्यू है 5/2, मतलब 25C1C2/4 -4C1C2 का रूट। इसको आप आगे सॉल्व करोगे तो 16 × 25 कितना आया, 9, तो 3/2 C1C2 का रूट आ जाएगा। ये क्या है, C1-C2। अगर मैं इन दोनों का डिवीजन कर देता हूं तो C1+C2 / C1-C2, तो रूट वाला पोर्शन हट जाएगा, 5/2 और 3/2 से क्या बच गया, 5/3। क्रॉस प्रोडक्ट करो, 3C1 3C2 इक्वल टू 5C1 और 5C2, इधर लेकर आएंगे 8C2 इक्वल टू 2C1, तो आपके पास C1 इक्वल टू क्या हो गया, 4C2 हो जाएगा। कहने का मतलब उनका रेशियो क्या होगा, 4:1 होगा। क्वेश्चन पर बात करें, दोनों का रेशियो 4:1 होगा। यहां रेशियो क्या आ रहा है, 4, यहां रेशियो क्या आ रहा है, 5/3, यहां रेशियो क्या आ रहा है, 3/2, यहां रेशियो क्या आ रहा है, 2/3। तो 4:1 कहां आ रहा था, केवल 1 में आ रहा था, तो आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 38। स्पेस बिटवीन टू कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियस ए एंड बी इज फिल्ड विद ए मीडियम ऑफ ए रेजिस्टिविटी रो, द रेजिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स विल बी। देखिए, आपके पास ये दो स्फीयर हैं, इनकी रेडियस आपके पास ए और बी है, इनके जो बीच का रीजन है वो किसी मीडियम से भरा हुआ है। ओके, वो मीडियम कौन सा है, वो मीडियम आपके पास है, कोई भी मीडियम दे रखा है इसने, इस मीडियम की ये ए रेडियस है, ये बी रेडियस है, इसमें कोई मीडियम भरा हुआ है, इस मीडियम की रेजिस्टिविटी आपको दे रखी है, रो है, तो आपने यहां से करंट को फ्लो कराना है और यहां से बाहर निकालना। आप देखिए, करंट की बात करेंगे, रेजिस्टेंस क्या लिखते हैं, आर इक्वल टू रो एल बाय ए, ए क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया। यहां से करंट अंदर जा रहा है, उसका एरिया क्या है, 4πa² और बाहर निकल रहा है, वहां क्या है, 4πb². इसका मतलब हम एक यहां पर एलिमेंट लेते हैं। ओके, इस एलिमेंट की रेडियस आपके पास आर है, क्योंकि एरिया चेंज हो रहा था, इसकी थिकनेस डी आर है। अब इसकी लेंथ तो क्या होगी एलिमेंट के लिए, डी आर, और एरिया क्या हो गया, 4πr², तो इस पार्ट के लिए रेजिस्टेंस क्या हो गया, डी आर इक्वल टू रो एल बाय डी ए। ओके, आपके पास क्या रिजल्ट होता है, रो एल बाय ए होता है, तो क्या आ गया, रो एल कितना है, डी आर बाय एरिया कितना है, 4πr². अब ऐसा मीडियम ए से लेकर बी तक रखा है, तो आर क्या हो गया आपके पास, इंटीग्रेशन डी आर, तो आप लिख सकते हैं रो बाय 4π इंटीग्रेशन आर -2 डी आर फ्रॉम ए टू,
माइनस टू का इंटीग्रेशन क्या हुआ, माइनस वन बाय माइनस वन, देन रिजल्ट क्या हो गया, रो बाय फोर पाई, माइनस वन बाय आर, अपर लिमिट नेगेटिव और लोअर लिमिट पॉजिटिव, तो वन बाय ए माइनस वन बाय बी आ जाएगा। ओके, ऐसा ऑप्शन आपके पास क्या है, फर्स्ट ऑप्शन, सॉरी, ऐसा ऑप्शन आपके पास थर्ड ऑप्शन है, तो आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 39 क्वेश्चन, आपको फिर से एक सर्किट दिया है, 16 वोल्ट टोटल दिया है इस पर वोल्टेज। उसने कहा है कि नेटवर्क में 4 वॉट कंज्यूम होती है, उसके लिए आर की वैल्यू क्या होगी। देखिए, बोथ आर इन पैरेलल, रिजल्टेंट 2R, बोथ आर इन पैरेलल, 6 और 12 का रिजल्टेंट क्या हो गया, 3R। ओके, 6 इंटू 12 बाई 18, 4R हो गया, ये रिजल्ट क्या हो गया, 4R, ये R और ये R सारे सीरीज में है, R 5R, 6R और 8R, टोटल कितना हो गया, R इक्वलेंट 8R, क्लियर, 6 टू 3, 3 और 4 7 और 1, आपके पास पावर क्या होती है, V स्क्वायर बाय R इक्वलेंट होती है, तो R इक्वलेंट क्या हो गया, V स्क्वायर बाय P, V कितना है, 16 इंटू 16 बाय P, P कितना दिया है, 4, तो ये कितना हो गया, 64 आ जाएगा। आप R की जगह क्या लिख सकते हैं, 8R इक्वल टू 64, इसका मतलब R कितना हो जाएगा, 8 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन, देखिए आपके पास एनर्जी स्टोर की बात की है, कैपेसिटर का क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी लग रहा होगा दिखने में, 2 आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस सी ईच हैविंग द प्लेट एरिया ए सेपरेशन बाय डिस्टेंस डी, द स्पेस फिल्ड बाय प्लेट्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द टू कैपेसिटर्स इज फिल्ड विद 3 डाइलेक्ट्रिक ऑफ इक्वल थिकनेस एंड डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K1, K2, K3। फर्स्ट कैपेसिटर इज फिल्ड एज शो इन 1 एंड सेकेंड वन इज फिल्ड एज शो इन 2। इफ दीज टू मॉडिफाइड कैपेसिटर्स आर चार्ज बाय द सेम पोटेंशियल V, द रेशियो ऑफ स्टोर्ड एनर्जी इन 2 वुड बी E1 रेफर टू 1 एंड E2 रेफर टू सेकेंड। देखिए, आपको एनर्जी पूछी है, तो एनर्जी का रेशियो क्या होगा, 1 बाय 2 C1 V स्क्वायर बाय 1 बाय 2 C2 V स्क्वायर, तो इसका मतलब C1 बाय C2 होगा। अब C1 पहले केस में कैपेसिटेंस है, ये इस तरह से भरे हैं, इसका मतलब ये आपस में क्या है, सीरीज में, और जब सीरीज में होंगे उस केस में C इक्वालेंट क्या होगा इनका, देखो, देखिए ईच के लिए थिकनेस क्या है, d बाय 3, ये भी d बाय 3, ये भी d बाय 3, ये भी d बाय 3 है, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a बाय d है, मेरी बात क्लियर। अब देखिए, आपको C1 देखना है, तो सीरीज में क्या होगा, d बाय 3 एप्सिलॉन नॉट K1A, d बाय 3 एप्सिलॉन नॉट KA, d बाय 3 एप्सिलॉन नॉट K, तो आपके पास ये आ गया 1 बाय 3 C, 1 बाय K1 K2 K3, एलसीएम क्या हो गया, K1 K2 K3, रिजल्ट क्या आया, K1 K3 एंड K1 K2, तो आपके पास C1 क्या है, 3C K1 K2 K3 ओवर K1 K2 K2 K3 और K3 K1। ओके, वापस मैं क्वेश्चन पर आऊं, इस केस में देखें, इस केस में आपके पास क्या है, ये आपके पास जुड़े हैं बोथ, ऑल 3 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, एरिया विल बी डिवाइड a बाय 3 a बाय 3 a बाय 3, तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो सेकंड देखें, C2 इक्वल टू क्या हो गया, पैरेलल है, तो एप्सिलॉन नॉट K1 a बाय 3, एप्सिलॉन नॉट K2 a बाय 3, एप्सिलॉन नॉट K3 a बाय 3,
तो एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी सी होता है, तो आपके पास क्या आ गया, सी बाय थ्री के वन प्लस के टू प्लस के थ्री। जब आप इनका रेशियो देखोगे देन ई वन बाय ए टू क्या हो गया, सी वन बाय सी टू, सी से सी कैंसिल हो गया, फाइनली रिजल्ट क्या होगा, नाइन के वन के टू के थ्री ओवर के वन प्लस के टू प्लस के थ्री इंटू के वन के टू के टू के थ्री एंड के थ्री के वन, ये आपके पास इनका रेशियो आ जाएगा। हम क्वेश्चन पर आते हैं, ऐसा ऑप्शन कहाँ है, आपको दिख रहा है फोर्थ आंसर हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। टू वेरीफाई ओम्स लॉ स्टूडेंट कनेक्ट ए वोल्टमीटर अक्रॉस द बैटरी एज शो इन द फिगर, द मेजर्ड वोल्टेज इज प्लॉटेड एज ए फंक्शन ऑफ करंट, द फ्लोइंग ग्राफ इज ऑब्टेन इफ वी नॉट इज ऑलमोस्ट जीरो, आइडेंटिफाइड द करेक्ट स्टेटमेंट। ये वी नॉट लगभग जीरो ही है, ओके तो उस केस में आपको पता है जब ये जीरो हो रहा है करंट 1000 मिली एम्पियर थी। आप अगर यहां से करंट की वैल्यू देखते हैं, ये 1.5 वोल्ट है, ये 1000 मिली एम्पियर, तो आपको पता है E इक्वल टू क्या होता है, सॉरी V इक्वल टू E माइनस आई आर होता है। आपको पता है जब I जीरो था तो V इक्वल टू E होता है जो 1.5 वोल्ट है, और आपको पता है जब I इक्वल टू 1000 मिली एम्पियर का मतलब 1 एम्पियर है, उस केस में V जीरो था तो इसका मतलब R कितना हो गया, E बाय I, मतलब 1.5 ओम हो गया। दो इंफॉर्मेशन आपको पता लग गई, वोल्टेज 1.5 वोल्ट और करंट 1.5 ओम, सॉरी R 1.5 ओम। देखिए, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी इज 1.5 वोल्ट, सही कह रहा है, व्हेन इट सेंड ए करंट ऑफ 1000, गलत कह रहा है, जब 1000 मिली एम्पियर करंट देगा तो अप्रोक्सीमेट जीरो हो जाएगा जब वी नॉट होगा। द ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज 1.5 वोल्ट, सही है, इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज 1.5 ओम, सही है, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज 1.5 ओम, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर, इस R की बात कर रहे हैं, R का नहीं पता क्या है, ये गलत है। द EMF ऑफ बैटरी इज 1.5 ओम एंड द वैल्यू ऑफ R इज 1.5, R का नहीं कह सकते, आंसर विल बी सेकंड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 42। इन द गिवन सर्किट द चार्ज ऑन 4 माइक्रोफेरेड, देखो यहां पर 10 वोल्ट है तो यहां भी क्या होगा, 10 वोल्ट होगा। ये आपको पता करना है कि टोटल चार्ज कितना है, आपको जितना इस ब्रांच में टोटल चार्ज है उतना ही 4 पर जाएगा, बोथ आर पैरेलल, 5 और 1 पैरेलल है, इनका रिजल्टेंट 6 हो गया। आपके पास 4 और 6 सीरीज में है, इनका रिजल्टेंट कितना हो गया, 24 बाय 10 हो गया। ये आपके पास C आ गया, चार्ज क्या है, Q इक्वल टू सी वी होता है, V आपके पास कितना है, C 24 बाय 10 है और V 10 है, 10 से 10 कैंसिल, तो इस पर 24 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। ओके, इस ब्रांच को मत लो, डायरेक्ट आप इस अकेली ब्रांच से निकाल लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 43 नंबर क्वेश्चन। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज ए प्लेट्स ऑफ एरिया ए सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस डी बिटवीन देम, इट इज फिल्ड विद ए डाइलेक्ट्रिक हैज ए डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट दैट वेरीज एज kx इक्वल टू के वन प्लस अल्फा एक्स, वेयर एक्स इज द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम वन ऑफ द प्लेट, इफ अल्फा डी इज लेस देन वन, द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम इज बेस्ट गिवन बाय द एक्सप्रेशन। देखिए, आपके पास दो प्लेटों के बीच की डिस्टेंस के साथ उसने k को वेरी कराया है, ये दो प्लेट है, इनके बीच के वेरी कर रहा है, कैसे कर रहा है, आपने यहां एक एलिमेंटल पार्ट लिया है छोटा सा जिसकी थिकनेस आपके पास डी एक्स है, एक प्लेट से डिस्टेंस ये एक्स है, और इसके लिए के की वैल्यू आपके पास है के एक्स इक्वल टू वन प्लस अल्फा एक्स। तो देखिए, आपको इसका कैपेसिटेंस पता करना था, आप इतने पार्ट की बात करें, इसका एरिया भी ए है,
इसकी कैपेसिटेंस डीसी क्या होगी? एप्सिलॉन नॉट ए इंटू के एक्स बाय इसकी थिकनेस क्या है? डीएक्स। तो आपके पास 1 बाय डीसी इक्वल टू क्या हो गया? डीएक्स ओवर एप्सिलॉन नॉट ए इंटू के 1 प्लस अल्फा एक्स। आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे, 1 बाय डी सी, सी तक इंटीग्रेट करते हैं तो या सीधे लिख सकते हैं 1 बाय सी इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स बाय एप्सिलॉन नॉट ए के 1 प्लस अल्फा एक्स। आपको इनके प्लेटों के बीच की डिस्टेंस जो है वो डी दी है, तो ये 0 से लेकर डी तक हो जाएगी। जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 1 बाय एप्सिलॉन नॉट ए के बाहर आया, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 बाय अल्फा लॉग 1 प्लस के एक्स 0 से डी तक। तो आपके पास क्या आ गया? इसका रिजल्ट आ जाएगा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट ए के अल्फा इंटू लॉग ए 1 प्लस के एक्स आ जाएगा, के डी आ जाएगा, सॉरी अल्फा है ये, सॉरी, तो अल्फा डी आ जाएगा। अब लॉग का एक्सपेंशन होता है वो आप पुट कर देंगे, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट ए के डी के अल्फा है, सॉरी ये के अल्फा, लॉग का क्या हो गया? अल्फा डी माइनस अल्फा डी का स्क्वायर बाय 2 प्लस अल्फा डी का क्यूब बाय 3 माइनस 4 फिर 5 चलता रहेगा। अपन अपर पावर्स को नेगलेक्ट कर देते, यहाँ से अल्फा डी कॉमन लेंगे तो अल्फा डी बाय एप्सिलॉन नॉट ए के अल्फा, यहाँ से क्या बच गया? 1 माइनस अल्फा डी बाय 2 आ जाएगा। अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, इसका रेसिप्रोकल सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी इंटू 1 माइनस अल्फा डी बाय 2 जैसा कोई आंसर आ जाएगा। ओके, ऑप्शंस में देखें ऐसा कोई आंसर नहीं है। ओके, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी है तो हम इसे वापस ऊपर लेकर जाएंगे। ओके, एक के भी आया था, सॉरी यहाँ पर एक के भी था, इसको मैं वापस ऊपर लेकर जाऊंगा। सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए के बाय डी क्या आ गया? 1 माइनस अल्फा डी बाय 2 रेस टू पावर माइनस 1, ये फिर बहुत छोटी वैल्यू है, फिर से बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे तो आपके पास एप्सिलॉन नॉट ए के बाय डी 1 प्लस अल्फा डी बाय 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास कैपेसिटेंस हो जाएगी। क्लियर? तो आपके पास इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? इसका रिजल्ट आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए के, थर्ड आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 44 नंबर। द सर्किट करंट I1 फ्लोइंग 1 ओम रेजिस्टर इज, देखो 1 ओम के अंदर से जाने वाली करंट पूछी है, ये 2 ओम है इसको छोड़ दीजिए, आपको पता है इस टोटल पर पोटेंशियल कितना है? 1 वोल्ट, राइट? अब 1 वोल्ट है तो ये 1-1 पैरेलल में है, टोटल कितना हो गया? 0.5, तो ये कितना है? 2 ओम। क्लियर? तो आपके पास ये रजिस्टर हो गए, गौर से देखिए 1-1 और यहां पर टोटल वोल्टेज आपको पता है कितनी है? 1 वोल्ट, ये 0.5 हो गए और ये 2 है तो टोटल 2.5 ना, तो करंट I इक्वल टू कितना हो गया जो यहां से जा रही है? ये I1 जा रही है, ये I2, दोनों इक्वली डिवाइड होगी क्योंकि सेम रेजिस्टेंस। I क्या हो गया आपके पास? 1 बाय 2.5, ये आप लिख सकते हैं 10 बाय 2.25। ओके, आपके पास ये कितना आ गया? ये 0.4 एम्पियर आ जाएगा। ओके, अब यहां डिवाइड होगी तो इक्वली डिवाइड हो जाएगी तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0.2 एम्पियर आ जाएगा। दोनों में सेम करंट का फ्लो होगा बिकॉज दोनों सेम रजिस्टर हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए 45 नंबर क्वेश्चन। इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर C1 एंड C2 इज 10 माइक्रोफेरेड। When these capacitors are individually connected to the voltage source of 1 volt, the energy stored in the capacitor C2 is 4 times that of C1.
इफ दीज कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देयर इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट दिया है, इसका मतलब C1 प्लस C2 इक्वल टू 10 माइक्रोफेरेड। अब वो कह रहा है कि जब इनको 1 वोल्ट से जोड़ते हैं तो एनर्जी स्टोर्ड क्या है। देखो U इक्वल टू 1/2 CV² होता है ना, वो कह रहा है कि U C2 की 4 टाइम्स है C1 में। ओके, वो कह रहा है स्टोर्ड एनर्जी इन C2 इज 4 टाइम्स दैट ऑफ C1। इसका मतलब आप कह सकते हैं U2 इक्वल टू 4U1। इसका मतलब C2 इक्वल टू क्या है, 4C1। इसको आप यहां पुट करेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आ गया। इस केस में यहां रखेंगे तो 5C1 इक्वल टू 10 आया, तो C1 कितना है 2 और C2 कितना है 8, तो 2 और 8 का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा आपके पास, 1.6 माइक्रोफेरेड हो जाएगा, रिजल्ट विल बी 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46। ए कैपेसिटर इज मेड ऑफ 2 स्क्वायर प्लेट्स ईच ऑफ साइड ए एंड मेकिंग ए वेरी स्मॉल एंगल अल्फा बिटवीन देम इन द फिगर द कैपेसिटेंस इज क्लोज टू। देखो वही यहां से यहां तक देखना है, आपने यहां एक एलिमेंट लेना है जिसकी यहां से लेंथ एक्स है और थिकनेस डी एक्स है, लेकिन हाइट क्या होगी ये तो डी है ये नहीं पता, पता करनी है। ये आपके पास वाई है, ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं इस तरह से, ये टोटल ए है, एंगल अल्फा है, तो मैं इसको ए अल्फा लिख सकता हूं। क्लियर, तो मेरे पास ये दो ट्राइंगल बन गए, ये ए अल्फा है, ये मेरे पास वाई है, ये एक्स है, ये ए है, एंगल तो सेम है दोनों के लिए। मैं यहां से अल्फा एंगल से भी लिख सकता हूं डायरेक्ट, वाई इक्वल टू अल्फा एक्स लिख सकता हूं इसको। तो मेरे पास इतने पार्ट की कैपेसिटेंस क्या होगी, डी सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी होता है। तो एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, इसका एरिया क्या हो गया, ए डी एक्स बाय डी कितना हो गया, डी प्लस वाई, और वाई कितना है आपके पास, अल्फा एक्स। तो सी के लिए आप इसे इंटीग्रेट कर देते हैं, तो आपको पता है एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन आया, डी एक्स बाय डी प्लस अल्फा एक्स कहां से लेकर, जीरो से लेकर ए तक इंटीग्रेट कर दे, इसका लॉग आएगा तो क्या आ गया, अल्फा नॉट ए बाय अल्फा, एप्सिलॉन नॉट ए बाय अल्फा, रिजल्ट क्या आ गया, लॉग डी प्लस अल्फा एक्स जीरो से लेकर ए तक। उस केस में आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय अल्फा, अपर लिमिट रखोगे डी प्लस अल्फा एक्स ए और लोअर जीरो रखोगे तो डी, तो फाइनली क्या हो गया, लॉग ए डी प्लस अल्फा एक्स बाय डी आ जाएगा, जिसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ए बाय अल्फा इंटू वन प्लस अल्फा, सॉरी लॉग वन प्लस अल्फा एक्स की जगह ए आ जाएगा जब आप लिमिट रखोगे। देखो जब आप लिमिट रखते हैं अल्फा ए आ जाएगा, ओके अल्फा ए बाय डी। जब मैं इसको ओपन करूंगा तो मेरे पास क्या आया, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय अल्फा, लॉग लॉग को ओपन करते हैं, अल्फा ए बाय डी माइनस अल्फा ए बाय डी का स्क्वायर इंटू 1/2, अपर लिमिट को मैंने छोड़ दिया, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाय अल्फा इंटू अल्फा ए बाय डी क्या बचा, 1 - α a/2d, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, तो सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बाय डी 1 - α a/2d, ये आपके पास कैपेसिटेंस हो जाएगी। ओके अब देखिए क्वेश्चन में ऐसा ऑप्शन कहां आता है, एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बाय डी 1 - α a/2d, इसका आंसर विल बी सेकंड, तो सेकंड आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47। इन द गिवन सर्किट डायग्राम ए वायर इज ज्वाइनिंग बिटवीन बी एंड डी द करंट इन दिस वायर, देखिए ये इक्वी पोटेंशियल पर है तो इनका पोटेंशियल सेम हो जाएगा,
पोटेंशियल सेम होगा तो करंट का डिवीजन रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर यहाँ से करंट आई आया तो यह टोटल 5 पार्ट में डिवाइड होगा, तो ये मेरे पास आई बाय 5 होगा, तो ये कितना होगा 4 आई बाय। यहां से फिर करंट आई जाएगा, इसका मतलब मैं यहां कह सकता हूं फिर 5 पार्ट में डिवाइड होगा, तो ये कितना होगा 2 आई बाय 5, और ये कितना होगा, इसका मतलब इस ब्रांच में करंट ऊपर जाएगा, राइट। तो आई डैश कितना होगा 4 आई बाय 5 माइनस आई बाय 5, तो आपके पास रिजल्ट कितना आ गया, सॉरी 3 आई बाय 5। 4 इधर से आया, 3 चला गया, तो इधर क्या बच गया आई बाय 5। आपको आई की वैल्यू पता करनी है। ये इक्विपोटेंशियल है, जुड़ जाएंगी आपस में, तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, ये दोनों पैरेलल। इन दो का पैरेलल क्या हो गया 1 × 4 बाय 5, ये इसके सीरीज में है, तो इनका क्या हो गया 2 × 3 बाय 5, तो 4 बाय 5 प्लस 6 बाय 5 कितना हो गया 10 बाय 5 इक्वल टू 2 ओम हो जाएगा। तो आई की वैल्यू आपके पास कितनी होगी 20 बाय 2, मतलब 10 एम्पियर आ जाएगी। अब 10 एम्पियर का 5वां हिस्सा जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया 10 बाय 5 इक्वल टू 2 एम्पियर, कहां से जाएगी डी से बी की ओर जाएगी। मेरी बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 48 नंबर क्वेश्चन। ए 60 पिको फैरेड कैपेसिटर इज फुली चार्ज बाय ए 20 वोल्ट सप्लाई, इट इज देन डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड कनेक्टेड टू द अनदर अनचार्ज कैपेसिटर 60 माइक्रो फैरेड। द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी दैट इज लॉस्ट इन द प्रोसेस बाय द टाइम द चार्ज इज रीडिस्ट्रीब्यूशन। मैंने आपको बताया था डेल यू इक्वल टू क्या होगा C1 C2 बाय 2 C1 C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ गया, C1 कितना है 60 पिको फैरेड है और दूसरा भी 60 ही है, तो दोनों बराबर हैं, तो आपके पास क्या हो गया C बाय 4 आ जाएगा, C स्क्वायर बाय 2 C। V1 V है और V2 0 था, ये रिजल्ट आ गया। आपके पास क्या आया C 60 पिको फैरेड बाय 4 इंटू V, V कितना था 20 वोल्टेज था, तो इसका कितना आ गया 400 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया 100 से, तो आपके पास क्या आ गया 6 × 10⁻⁹ जूल, जिसे आप लिख सकते हैं 6 नैनो जूल, तो 6 वैल्यू आ जाएगी क्योंकि नैनो जूल में उसने पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 49 नंबर क्वेश्चन, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है 49 क्वेश्चन। द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू बैटरीज बोथ ऑफ सेम EMF 10 वोल्ट बट डिफरेंस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम एंड 5 ओम इन इज कनेक्टेड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टर 30 ओम एंड R ओम। द वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 20 ओम इज 0, द वैल्यू ऑफ R इन सीरीज। देखिए आपके पास क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है दो बैटरी का और उन्हें किसी पैरेलल कॉम्बिनेशन से जोड़ा है, ये दो रजिस्टर हैं जिनका कॉम्बिनेशन पैरेलल है, और यहां आपके पास एक बैटरी है जिसका वोल्टेज 10 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दे रखा है इसका 20 ओम, और दूसरी भी 10 वोल्ट की है और इंटरनल रेजिस्टेंस उसका दिया है आपको 5 ओम, इनके साथ सीरीज में जोड़ा है, राइट। वो कह रहा था वोल्टेज अक्रॉस द बैटरी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 20 ओम इज 0, यहां वी 0 है, यहां से करंट आई जा रहा है मान लो, तो अगर V 0 है तो E माइनस आई आर होता है ना, तो V इक्वल टू क्या होता है E माइनस आई आर इक्वल टू 0, इसका मतलब I क्या हो गया E बाय R, मतलब 10 बाय 20 इक्वल टू 1 बाय, तो यहां से R इक्वलेंट आप निकाल सकते हैं सिस्टम का, क्योंकि सिस्टम के अंदर टोटल वोल्टेज कितनी है, I इक्वल टू टोटल वोल्टेज आप देखेंगे कितनी है 20 बाय आर इक्वालेंट, आर इक्वालेंट आप लिख सकते हैं क्या होगा, आई आपको 1/2 दिया है, तो यहां से आपके पास आर इक्वालेंट आ गया 40। आर इक्वालेंट का मतलब इस कॉम्बिनेशन का आरपी,
और प्लस दोनों का इंटरनल कितना है 5 और 20, 25 इक्वल टू 40, मतलब आरपी आपको कितना पता लग गया, 15 ओम पता लग गया है। मेरी बात क्लियर? नेक्स्ट देखिए आरपी क्या होगा, एक आर है और दूसरा रेजिस्टेंस कितना है 30 है, 30 और आरपी का रिजल्टेंट 30 और आर का इक्वलेंट 15 है, तो क्या हो गया 1/30 + 1/R = 1/15। तो 1/R कितना हो गया 1/15 - 1/30, एलसीएम आएगा तो R की वैल्यू 30 ओम आ जाएगी। ओके, ये था आपका जेई मेन का 1920 का क्वेश्चन पेपर। ओके, थैंक यू। इसके बाद अगला टॉपिक अपन लेकर आएंगे जो इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। ओके, थैंक यू।